जिनको मैं पहली बार मिल रही हूँ राइट नमस्ते मैम नमस्ते कैसे हैं आप ठीक हो बढ़िया आप कैसे हो हाँ एकदम ठीक हो अच्छी तरह से हूँ गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम आत्मा नमस्ते प्रणाम मैम अरे प्रणाम गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग तविशा वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई एम मोनिका अलवालिया सो आज का जो ये वेबिनार है आई विल बी कंडिंग इट और अफकोर्स uh, मैं हिंदी में बात करूँगी बट ऑन एंड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सो इफ देर इज़ एनी बडी जो कम्फर्टेबल नहीं है इंग्लिश से तो वो बोल सकते हैं uh, या हिंदी से कम्फर्टेबल नहीं है तो वो भी बता सकते हैं सो अकॉर्डिंगली आई विल रिपीट द सेम सो जैसा कि हमको मालूम है कि uh, जो ये वेबिनार है Uh, और या ये जितने भी सब्जेक्ट्स uh, हैं उन दे आर ऑल अंडर गुरुजी ज्ञान सो जो कि एक एकेडमी है और कोर्स आचार्य राजीव राजीव जी और uh, पूनम मैम की एंड वी ऑल आर फैकल्टी मेंबर्स एंड यहाँ पे yeah. अलग अलग तरह के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं मोस्ट ऑफ देम आर ऑल रिलेटेड टू अकल्ड साइंस सो आई हैव आल्सो टॉट सर्टेन सब्जेक्ट्स हियर जैसे कि मैंने यहाँ शमानिज्म सिखाया आई स्टार्टेड विद ऑफकोर्स होलिस्टिक हीलिंग जिसमें मैंने सात आठ अलग अलग तरह की मोडेलिटी सिखाई थी एंड देन आई ऑल्सो टॉट कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी जो कि बिलीफ वर्क के ऊपर थी और फिर बूम हीलिंग एंडसेस्टर हीलिंग एंड नाउ सोल जर्नी इज माई करंट जो सब्जेक्ट तो, जिस uh, जो मैं सिखा रही हूँ और अफकोर्स सोल जर्नी के बाद तो आदमी का मीडियमशिप पे ही ध्यान जाता है बिकॉज दैट इज़ अ लेवल हेड इन दैट जर्नी सो हम इससे पहले कि स्टार्ट करें अफकोर्स बी विल प्रे एंड जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है सो so, uh, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्में श्री गुरु वे ओम भूर्भुहा स्वा तस्वीर भर्गो देवस्थ धीमह न प्रचोदया एंड ऑफकोर्स आई विल गो डाउन टू द सोल्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई कनेक्ट टू देयर बींग देयर अराउंड मी इन द स्पिट फॉम एंड ऑल द अदर वंडरफुल स्पिरिट्स चाहे वे मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं एंजल्स हैं आर्क एंजल्स हैं या जो भी डिवाइन बींग्स हैं वो सब हम सबको हेल्प करें गाइड करें मदद करें एंड लेट अस ऑल क्रिएट सम मेरेकल्स फॉर आर सेल्फ सो अब जब हम मीडियमशिप की बात कर रहे हैं सो so, ऑफकोर्स अगर आप लोग अपने वीडियो को ऑन रख लें तो लेट्स मेक इट वेरी इंटरक्टिव बिकॉज अगर मीडियम शिप सीखने का है या सिखाने का है तो उसका सबसे पहला तरीका है कि वी शुड बी एबल टू टॉक है ना क्योंकि जब हम किसी से बात करना चाहते हैं किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फिर अगर हम वो जने को देख नहीं पाएंगे महसूस नहीं कर पाएंगे उसको सुन नहीं पाएंगे तो क्या वो सक्सेसफुल होगा हमारा कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं आप लोग exactly. नहीं होगा ना कम्युनिकेशन तो अगर आप स्पिरिट yeah. से कम्युनिकेट करना yeah. चाहते हैं अगर आप मीडियमशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम तो यही है कि हमको देखने को होना चाहिए सुनने को होना चाहिए समझने को होना चाहिए फील करने को होना चाहिए है ना तभी तो हमें लगेगा कि जो हमको अंदाजे लग रहे हैं या हमको जो समझ में आ रहा है वो सच है हकीकत है रियलिटी है राइट सो प्लीज़ कीप योर वीडियोज ऑन कुछ होगा नहीं यहाँ पे कोई जादू मंत्र नहीं होने वाला है सो so, अब अगर मैं मीडियमशिप की बात करूं तो मीडियमशिप आपको क्या लगता है चलिए पहले ये तो है व्हाट इज मीडियमशिप चलो इसको स्टॉप शेयर करते हैं। अब आप लोग बताइए मुझे आपको क्या लगता है कि अगर कोई मीडियमशिप की बात करता है तो उसका मतलब क्या होता है या क्या नहीं मीडियम हाँ जी मीडियम है Connecting with uh, soul. Connecting with soul, very good. Ma'am, channel or bridge between two things, ya kuch bhi ho sakti hai Okay, correct. Between two things, so of course two things matlab मतलब everything has a soul. Right? Exactly. मतलब कोई भी चीज हाँ. medium हम हाँ medium आमने से medium word का hmm. मतलब जानना है तो medium तो bridging हाँ. और channeling और माध्यम ही होता है। Correct. मतलब दो चीजों को कनेक्ट करने के वाला आप बोल रहे हैं तो अगर हम कनेक्ट करने वाले की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में हैं है ना जैसे कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं राइट अभी हमको हम दोनों को कनेक्ट कौन करा रहा है जूम करा करा रहे हैं राइट या हम कह सकते हैं कि ऑकल्ट साइंस करा रहा है कि आप और मैं एक साथ एक दूसरे के संपर्क में आ पा रहे हैं राइट और अब आप मेरी फोटो भी देख पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि हाँ जो भी मैं बोल रही हूँ तो वो कोई रियल पर्सन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है करेक्ट यहाँ आपको मेरी आवाजें सुनाई दे रही हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ जो भी आवाज सुनाई दे रही है वो किसी के मुंह से ही निकल रही है और उसका नाम होने का अलवालिया है सो बेसिकली मतलब ये जो हमारा मीडियम है वो जूम है यहाँ पे है ना पर हम दोनों एक दुनिया में ही है जो जीवित लोगों की दुनिया है करेक्ट सो so, जब हम जीवित लोग कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम, हम... में क्या कर रही है है ना हम फिजिकल बॉडी में हैं इसलिए हम जीवित हैं क्या आप ये सोचते हैं आपको क्या लगता है अगर हमारी फिजिकल बॉडी नहीं रहती है तो हम जीवित नहीं रहते हैं ना 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 ना। जीवित रहते लेकिन जीवित रहते अस्तित्व रहता है लेकिन मतलब विजिबल नहीं होते विजिबल नहीं होते तो विजिबल होना बहुत जरूरी होता है ना आप क्या सोचते हैं अगर आपको कोई चीज अच्छा। दिखाई देती है तो अगर उसमें आपको विश्वास रखना है कि वो चीज़ है तो क्या उसका देखना जरूरी है नहीं नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है उसका हम सेंस ले सकते हैं उसका मतलब कुछ स्पर्श ले सकते हैं ऐसा कुछ हो सकता है तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके भगवान का ही है यह हमारे भगवान का ही है भगवान को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी हम ये विश्वास रखते हैं कि भगवान जीवित है है ना कि नहीं यस yes. यस yes, yes. तो आप भगवान से कैसे कम्युनिकेट करते हैं भाई भाई वो प्रेयर भाई वो कम्युनिकेटिंग आवर टू दिस गुड सेल्फ ओके और आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपको कभी जवाब देते हैं यस yes, मैम कैसे yes, जाते हैं एंजल नंबर्स दिख जाते हैं कभी ओके okay. कुछ भी आ जाती है कुछ थॉट भी आता है जो आगे चल करके हो जाता है तो मतलब तो उनका मतलब तो वही बात हुआ कि हाँ ड्रीम्स आ जाते हैं फ्लैशेस इमेजेस आ जाती हैं ओके okay. मतलब आपको सपने में भगवान आते हैं मेडिटेशन में मैम दिख जाते हैं नहीं सपने में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सपने में भी दिखते हैं कभी कभी अच्छी बात है फिर आपको तो सब कुछ दिखता है फिर क्या सीखना है सपने में कभी-कभी तो दिखते हैं देवी दिखती है कुछ बोलना होगा तो ओके लेकिन आप उनकी बातों को इंटरप्रेट कर पाती हो आप दूसरे अपने हस्बैंड को या अपने फैमिली मेंबर्स को ये बताती हो कि हाँ मुझे आज भगवान आए थे मेरे सपने में और उन्होंने जो मुझे बोला वो ऐसे से बोला है तो कोई हंसेगा तो नहीं ना आप पे नहीं मेरे को बचपन से इशू है लेकिन मैं किसी को बोलती नहीं हूँ लाइक वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं इंटरप्रेट होता है बिकॉज मैंने जब भी मैंने देखा है मैं उनके सामने सिर्फ रोती रहती हूँ अभी क्यों रोती मुझे भी नहीं पता तो मैं नहीं बोल सकती कभी अब अभी अभी जाके मैं बोलने लगी हूँ कि मुझे बचपन से दिख रहा है जबकि वो हमें बाद में पता चला वो हमारा कुल देवता दिखती थी हमें और कुल देवता का काम नियरली फोर हंड्रेड इयर से हुआ नहीं है हमारा एंसेस्टर हमें वो इशू है ओके okay. ओके okay. मतलब आपको भगवान ईश्वर या कुल देवता दिखाई देते हैं माता मतलब हाँ। आप आपको उस, जब आपको जब वो दिखते हैं तो क्या आपको डर लगता है नहीं नहीं नो राइट करेक्ट इसका मतलब वो कोई स्केरी चीज नहीं है भले वो इस दुनिया में जीवित नहीं है वो है तो हम जैसे बोलते हैं कि हेवन में रहते हैं भगवान या ऊपर रहते हैं भगवान तो वो जहां पे भी रहते हैं अगर वो हमें दिखाई देते हैं तो हम उनको देखकर डरते नहीं है राइट right? करेक्ट yeah. ना हम ये सोचते हैं कि कोई सुपर चीज है कुछ सुपरस्टिशियस uh, चीज है कुछ नॉर्मल uh, चीज uh, नहीं है ऐसा कोई बोलता है कि अगर भगवान किसी को सपने में दिख गए कि अरे ये तो नॉर्मल नहीं है या ये तो नेचुरल नहीं है ऐसा नहीं बोलते ना कोई भी किसी किसी का किसी होता, होता है, है वो भी ऐसे कैसे दिखता है तुझे या मुझे दिखा आई डोंग है ऐसे भी लोग हैं इंटरैक्शन तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है हमारा करेक्ट करेक्ट राइट बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ अगर भगवान हमें दिख भी रहे हैं तो उसमें कोई करने की बात नहीं है भले ही कुछ लोग हमको बोले कि ये कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ सच में भगवान हमें दिखे हैं राइट करेक्ट तो जो मीडियमशिप की भी हम बात कर रहे हैं तो हम अगर भगवान के अलावा अगर इस सृष्टि के अंदर और लोग कौन हैं हम हैं जानवर हैं है ना पशु पक्षी हैं पेड़ पौधे हैं रॉक्स हैं या नॉन मेट लिविंग थिंग्स हैं तो हर चीज की एक टाइम है जब तक वो इस दुनिया में जीवित रहती है, है ना अगर हम जीवन को वैसे डिफाइन करें के जीवन मतलब के इस दुनिया में जीवन जी जो जीते हैं वो जिंदा हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे वो मर गए राइट right? सो so, हमारे हिसाब से डेथ हैपेंस वी लीव द बॉडी एंड वी आर नो लॉन्गर इन अ फिजिकल फॉर्म करेक्ट लेकिन सोल जो है वो तो कभी नहीं मरती है ये तो हमारी गीता में भी लिखा हुआ है हम गीता हर किसी ने गीता पढ़ी है गीता के श्लोक सुने हुए हैं राइट right? और जब मृत्यु भी होती है तभी भी हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें तो ये लिखा ही है और कृष्ण की वाणी में हमने ये सबने सुना हुआ है या किसी भी रिलीजियस बुक में चाहे हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं कर ये अंदाजा हम सबको है कि देर इज अ सोल एंड सोल लिव्स ऑन राइट करेक्ट है हा no. कि नहीं राइट yes, yes, yes. yes, right. yes, so, फिर हमें किस बात का डर है मरने के बाद अगर सो लिव्स ऑन और हम सब जीवित ही रहने वाले हैं तो चाहे वो तविशा हो चाहे मोनिका हो चाहे काजल हो हम सब तो जीवित ही रहने वाले हैं नहीं फिर मोहन किस चीज का कर रहे हैं किस चीज का हम कम कर रहे हैं किस चीज दीदी बोल हम... मेरे को मत डिस्टर्ब सो मीडियमशिप की जब हम बात करते हैं तो लेट्स नाउ कम टू द टॉपिक है ना तो ये एक स्किल है राइट स्किल इसलिए है क्योंकि जैसे कि आपने कहा ना कि अगर हम भगवान के बारे में बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं हमें तो कभी दिखते नहीं है तो जरूर आप में कुछ ऐसी क्वालिटी है या आपके अंदर ऐसी कोई चीज है जिससे कि आप वो भगवान से कनेक्ट हो पा रही है या दूसरी चीज है कि आप ऐसा सोचती हैं ऐसा विचार करके सोचती हैं कि भगवान मुझे आपसे कनेक्ट होना है राइट right? क्योंकि भगवान सोचते हुए सब लोग इतना बिजी रहते हैं तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूं सबको हाँ कि नहीं yes, मैम भगवान नहीं। को बुलाने पे ही आते हैं बिना बुलाया तो आते नहीं हैं हाँ करेक्ट तो आप उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं है ना जैसे बोलते हैं ना कि वो अच्छा भजन है ना कि अगर आप मीरा की तरह उनको उनको याद करोगे बुलाओगे तो वो आपके आएंगे अगर आप शबरी की तरह खाना खिलाओगे तो भगवान खाएंगे राइट तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट कि आप में मुझ में ये स्किल नहीं हो सकती भगवान को बुलाने की लेकिन हम चेष्टा करें तब ना हम इच्छा करें तब सो इट इज स्किल बट क्योंकि स्किल क्या है चेष्टा करने की भी एक तरीका होना चाहिए है ना उपासना करने का भी एक तरीका होना चाहिए प्रेम दिखाने का भी एक तरीका होना चाहिए सो देअर फोर मे बी इट इज समॉर्म दैट वी कैन कॉल और वी कैन शो मे बी दैट्स लाइक अ सिंपल इंटेंशन लेकिन वो एक तरीका होता है जिससे कि आप उस डायमेंशन तो अब हम वर्ल्ड को अलग या दुनिया को या इस यूनिवर्स को अलग अलग डायमेंशन में अगर देखें तो जो प्लान हम अर्थ पे रह रहे हैं वहां पर जो लोग जीवित रहते हैं वो रहते हैं या मे बी टू एक्सटेंड जो अप हो जाते हैं लेकिन जितने भी और, और जो लोग हैं जो कि इस जीवन से पार हो चुके हैं इस इस दुनिया के जीवन से वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं राइट right? दुनिया उनकी भी है और दुनिया हमारी भी है सो so, अब सिर्फ ये दो दुनियाओं के बीच में एक दीवार या एक छोटी सी व्हील सी है एक छोटी सी लकीर सी है और उस लकीर के कारण हम उस उनको एक दुनिया अलग दुनिया समझते हैं ये सोचते हैं कि वो हेवन जो है या जो वो जहाँ लोग रहते हैं इस दुनिया में जाने के बाद वो बहुत दूर रहते हैं और इसीलिए हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं सकती है दैट इज द काइंड ऑफ अ फीलिंग जो हमको लगता है राइट right? लेकिन that's not the case. क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब आसपास ही है हमारे इट्स नॉट दर इज समथिंग एल्स डेड लोग भी तो अपने सपने में आते हैं ना मुझे तो बहुत दिखते हैं डेड लोग जो okay. भी सोच हैं। अच्छा है, अच्छी बात है ओके okay, सो so इसका मतलब देर इज अ प्रूफ के देर इज आफ्टर डेथ और अगर जो हम बोलें क्योंकि वी आर डिफाइनिंग अ डेथ है ना डेथ एक डेफिनेशन है सो डेथ इज नॉट द एंड राइट सो हम एक एटर्नल स्पिरिट हैं, हमारा ईश्वर से नाता है ये यूनिवर्स जो है यहाँ पर भले ही हम रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हम यहाँ पे फिर किसी ने किया है रेड वाइज इज रेड कलर इज कम ओके सो मे बी स्पिरिट्स कुछ कर रहे हैं ठीक है so, <laughs> सो हाँ सो so हम जो ये मीडियमशिप जब हम करते हैं मतलब वी आर ट्राइंग टू टॉक टू दीपल वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू ऑल द स्पिरिट्स देखो अपने आप गायब हो गया वेरी <laughs> गुड अपना अपना अटेंशन दिलवा दिया बोला मेरी तरफ ध्यान दो मैं भी यहाँ पे प्रेजेंट हूँ राइट right? सो so, हमारा जो पर्पस ये होना चाहिए जब हम मीडियमशिप करते हैं ऐसे ही करने के लिए मज़े मस्ती के लिए करने के लिए हम नहीं करते हैं ये ये इसका पर्पस होता है कि हम बेसिकली प्रोवाइड करना चाहते हैं आवाज उन लोगों को जिनकी आवाज नहीं रही क्योंकि जब हम इस दुनिया में होते हैं तो देर इज अ कम्युनिकेशन स्टाइल देर इज अ वॉइस थ्रू विच वी आर कम्युनिकेटिंग लेकिन ज, आपने ज्यादातर देखा होगा जब आदमी की मृत्यु हो जाती है इस दुनिया में तो वो उसकी सारी जो ये सेंसेस और ये सब जो है वो खत्म हो जाती है राइट ना आप उसकी उनकी आवाज सुन सकते हो ना वो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं सब कुछ उनका खत्म हो जाता है राइट सो so, एक तरह से हम पर फिर भी वो प्रेजेंट है तो अब वो हमसे अगर बात करना चाहे तो वो किसके थ्रू बात करें क्योंकि और लोग तो घबरा जाएंगे वो सोचेंगे कि भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं अब मेरी मम्मी या पिताजी जो रहे नहीं तो वो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकते हैं तो वो मेरे से कैसे बात करेंगे या मैं उनसे कैसे बात करूँगी तो ये एक मीडियम होता है जो कि इन दोनों के बीच में एक तरह का इस तरह का कार्य करता है सो इट्स अ यू कैन अंडरस्टैंड कितना थैंकफुल जॉब है कितना एक अच्छा चीज है क्योंकि जब आपको कोई छोड़ के जाता है इस दुनिया से तब आपको कितना बुरा लगता है ना हर किसी को दुख होता है कि नहीं होता है आप लोग में से किसी को दुख होता है कि नहीं होता है, क्या आपको लगता है कि नहीं थी अगर कोई मर भी गया मतलब जो हम इस दुनिया की लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो चलेगा फर्क नहीं पड़ता दुख नहीं है ना है होता है, है होता है दुख कैसे नहीं होगा करेक्ट करेक्ट so, so, तो फिर आप तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे ना अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो अगर आप उनसे बात कर सकते हो अगर आप उनसे पूछ सकते हो चीजें अगर आप उनको चीजें दिखा सकते हो क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब वो दुनिया में नहीं रहते हैं तो वो हमारे साथ क्या चल रहा है उसके बारे में जानते नहीं है मतलब एक तो हुआ कि आप उनके बारे में जानना चाहते हो लेकिन आपको ये जान जान के ताजुब होगा कि भले ही वो इस फिजिकल रेल में नहीं है हमारे साथ पर उनको हमारे हर चीज का पता होता है उन्हें पता होता है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं जीवन में हम क्या क्या कर रहे हैं हम झगड़ा कर रहे हैं कि रो रहे हैं कि मारपीट कर रहे हैं क्या जीवन में तरक्की कर रहे हैं या कुछ एक नया सीख रहे हैं जैसे कि आज आप सब लोग यहाँ सीख रहे हैं तो हो सकता है आपके सारे के सारे स्पिरिट गाइड्स और आपके सारे जो रिश्तेदार जो इस दुनिया में आज नहीं है सेम वर्ड के एज पर द डेफिनेशन वो यहाँ पे देख रहे हो कि अच्छा चलो इन ये कुछ सोच रहे हैं मुझसे हमसे कनेक्ट करने की राइट right? और शायद इसको सोचकर सुनकर उनको भी खुशी हो रही होगी। अबाउट so, ये तो हुआ medium, तो हुआ ऑब्वियसली मीडियमशिप क्या नहीं है क्योंकि अगर हम मीडियमशिप को एक फॉर्च्यून टेलिंग या प्रिडिक्टिंग फ्यूचर की तरह समझे तो ये वो कार्य नहीं है आप सोचो कि भई चलो कोई एस्ट्रोलॉजी दिखाने आ गया या कोई अपना ये दिखाने आ गया कि मतलब हाथ दिखाने आ गया या कोई टैरो कार्ड रीडिंग कराने आ गया वो होता है जबकि आप एक चीज को जानना चाहते हो अपने फ्यूचर से रिलेटेड या अपने प्रेजेंट कंडीशन से रिलेटेड सो so वो एक फॉर्च्यून टेलिंग या प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर होता है लेकिन यहाँ पे आप जो भी स्पिरिट से बात कर रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका मकसद ये नहीं है सो so, ना ही ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है इसके लिए कि क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज है जो हम सब कर सकते हैं ये अलग बात है कि हम इस क्षमता या इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं या हम इस चीज को इग्नोर करते हैं या डरते हैं या हम सोचते हैं कि ये करने की क्या जरूरत है राइट right? कभी कभी कई रिलीजन्स में भी ऐसा बोला जाता है कि क्यों हम उन्हें तंग करें क्यों हम उनसे बात करें क्यों हम उनसे पूछें या क्यों हम उनसे कांटेक्ट में रहें तो ये भी हो सकता है और कभी कभी हम क्योंकि हॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चरों में ऐसा दिखाया जाता है तो हमें लगता है कि शायद ये बहुत ही डरावना या कोई ऐसी चीज होगी जो इट्स इट मे अपियर लाइक अ स्केरी थिंग सो वी विल नॉट लाइक टू गेट इन टच विद सच काइंड ऑफ अ थिंग लेकिन यू विल बी सरप्राइज इट्स नॉट स्केरी ओके सो ये मीडियम शिप का मीडियम का एक डेफिनेशन भी है, इज़ सिमिलर वी हैव हमने जो बात की है कि हम एक किस से आप कनेक्ट करते हो आप वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हो राइट बिकॉज देर इज नो अदर थिंग थ्रू विच यू आर कनेक्टिंग सो आप आपकी जो वाइब्रेशन है उनकी वाइब्रेशन के साथ सिंक्रोनाइज करते हो एंड दैट इज हाउ आप मैसेजेस इधर से उधर पास कर सकते हो दैट इज हाउ द मीडियमशिप ऑपरेट ओके नाउ इसके अंदर जो की पॉइंट्स है या जब हम बात कर रहे हैं मीडियमशिप को लेकर तो ऑब्वियसली ये बेस्ड ऑन पर्टिकुलर बिलीफ है राइट right? आपके एक सोच के ऊपर आधारित है और वो सोच क्या है कि एक तो हम ये बात से पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं और बिलीव करते हैं कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो रियल है वो ये नहीं है कि वो कोई जादुई माया है या हमारा भ्रम है सो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रियल और हम कैसे उससे मिल सकते हैं जब हम अपनी एनर्जी को उस एनर्जी के साथ अलाइन करें और इसी का कारण है कि हम उनसे क्यों नहीं मिल पाते हैं या हम क्यों नहीं उनको समझ पाते हैं या क्यों नहीं हम उनको देख पाते या क्यों नहीं हम उनको सुन पाते या महसूस कर पाते क्योंकि हमारी एनर्जी उनके एनर्जी के साथ अलाइंट नहीं है हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी एनर्जी बहुत डेंस है कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड जो कि बहुत लाइट है बहुत शांत है बहुत ही एकदम काम uh, इफेक्ट है लेकिन हमारे अंदर तो बहुत सारी बिलीव्स हैं, बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस हैं थॉट्स हैं एंगर है फ्रस्टेशन है, है, है कितनी कितनी चीजें हैं हमारी राइट right? तो वैसी चीजों के साथ हम कैसे अपना ध्यान ये सब इस चीजों पर ला पाए फिर हेवन जो है या अगर अगर आप इसको स्वर्ग कहें हेवन कहें या कोई भी प्लेस ऑफ डेड कहें या सेलिस्टिक वर्ल्ड कहें या यूनिवर्स का दूसरा हिस्सा कहें या अपर वर्ल्ड कहें वहाँ जहाँ पे सब ये स्पिरिट्स रहते हैं वो कोई फार ऑफ जगह नहीं है ऐसा नहीं है कि वो कोई अजीब सी कहीं और है और हमें उसका अंदाज़ा नहीं है हमें पता भी नहीं वो यूनिवर्स में किधर है और इसीलिए हमारा फोकस वहां तक नहीं पहुंच सकता तो ऐसा नहीं है आप हर चीज के लिए चाहे आप कोई भी हीलिंग करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए होता है आपको कोई ना कोई ऐसे मंत्र तंत्र कोई ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जिसके द्वारा आप करते हो या राइट अगर आप क्रिस्टल रेकी करते हो तो आपको क्रिस्टल चाहिए कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं कुछ ये चाहिए होता है लेकिन मीडियमशिप में ये जरूरी नहीं है ऑफकोर्स यू कैन यूज सम डिविएशन टूल्स लेकिन आपका मेन इक्विपमेंट क्या है वो आपका सोल है सो इट्स अ सोल टू सोल कम्युनिकेशन दैट्स ऑल। देर इज नथिंग दैट यू रिक्वायर इन बिटवीन। सो अपने माइंड को हमें पहले क्लियर करना जरूरी है क्योंकि दिमाग में इतने सारे विचार हैं इतनी सारी चीजें हैं और जब दिमाग इतना भरा हुआ है तो फिर हम कैसे ये सब चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे सो so, इसके लिए हमारे दिमाग को हॉलो आउट करना ज़रूरी है और हमें एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि अरे अभी मैंने मीडियमशिप स्टार्ट की है और अब मुझे सीधे कम्युनिकेशन करने को होना चाहिए मुझे सीधे से समझने को होना चाहिए कोई भी मेरे सामने आके खड़े मुझे एकदम दिखाई दे देना चाहिए सो इफ़ यू विल हैव टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन देन यू मे फॉल फ्लैट

जो प्रेजेंट में रहते हैं ना कि पास्ट या फ्यूचर में उनके लिए ये करना आसान है या वो कर सकते हैं और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम बिलीव इन आफ्टर लाइफ या आफ्टर डेथ आप कह लीजिए वो बिलीव करते हैं अब इनमें ऑब्वियसली हर चीज में चाहे हम कोई भी चीज करें उसके अंदर कुछ लोग होते हैं कुछ चीजों के साथ आप काम करते हो तो हर चीज में या कोई भी हीलिंग मोडालिटी में आपका एक क्लाइंट होगा तो एक तो आप मीडियम जो कि आप खुद होंगे आपका एक क्लाइंट होगा जिसको हम सिटर भी कहते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड होगी सो ये तीन चीजें हैं आप बीच में हैं अगर आप दो ट्राइंगल्स को देख लें तो आप वो बीच का सूत्र है नीचे का सूत्र है जहां पे वो सब लोग हैं सब जने हैं और एक है जहां पे आप उन सब से कनेक्ट करा रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सो so, जब हम किसी के लिए भी करते हैं जैसे हम हीलिंग मोडालिटी में कहते हैं कि किस पर्सन हमको अप्रोच करता है पर्सन वो क्लाइंट हमको कहता है कि हमारे लिए मीडियमशिप करने को तो वो क्लाइंट का एक तो हमको पूरा आश्वासन होना चाहिए पूरा उसका Uh, ये होना चाहिए कि वो हमें वो परमिशन करने को दे रहा है दूसरी चीज है वो क्लाइंट का भी क्लोज्ड फीलिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर वो अपने आप को क्लोज्ड करके रखेगा तो आपका पहला चीज होती है कि एज अ मीडियम आप उससे कनेक्ट करते हो फिर उसके थ्रू स्पिरिट वर्ड को कनेक्ट करते हो राइट सो इफ इट इज अ क्लोज थिंग इट विल नॉट वर्क सो हाउ वी हैव टू बी वेरी ओपन

तो मेंटल मीडियमशिप क्या मतलब कि आप दिमाग माइंड से कर रहे हैं राइट सो इट इज थ्रू द माइंड नाउ मेंटल फिजिकल मीडियमशिप में मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि आप किसी मीडियम से आप स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो स्पिरिट जो है उस समय पे वो जितने भी लोग हैं या जगह है वहां पर आप उस चीज का मूवमेंट्स देखोगे वो चीज को आप एक्सपीरियंस करोगे इन टर्म्स ऑफ सम थिंग हैपनिंग यू कैन हियर द वॉइस बट ये रेयरली और या इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैसे करते हैं कि वी रिसीव समथिंग द मीडियम रिसीव समथिंग इन इज माइंड एंड ही सेट द स्परिट इज सेम राइट इट्स नॉट लाइक के यू ऑल विजुअलाइज के सामने सब चीजें हिल रही हैं गिर रही हैं आवाजें आ रही हैं कुछ कोई बोल बोल रहा है नॉट लाइक दैट सो so, uh, जो मीडियम होता है उसके लिए मेडिटेशन प्रेयर्स ये सब की जाती हैं जिससे कि उसकी खुद की वाइब्रेशन हाई रहे सो दैट ही कैन कनेक्ट एंड कम्युनिकेट द व्हाट द स्पिरिट वर्ल्ड बोल रहा है सो दिस इज हाउ वी हैव सो वी विल बी डूइंग इज द मेंटल मीडियमशिप ओके अभी बहुत सारे लोग आप में से साइकिक रीडर्स हैं कोई है यहाँ पे साइकिक रीडम्स कि नहीं है आई एम अ पीएलआर थेरापिस्ट ओके यस मैम हाँ सो so, जानवी आपके हिसाब से साइकिक रीडिंग क्या होता है साइकिक रीडिंग मतलब अभी एग्जांपल आप मेरा सामने आके कुछ पूछे तो आपके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसके हिसाब से आंसर्स वेरी गुड एक्सीलेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनीथिंग आई कैन पी एंड सो okay. so, जब, जब आप करेक्ट जब आप साइकिक रीडिंग कर रहे हो तो क्या आप साइकिक रीडिंग जो लोग मर चुके हैं उनकी भी करते हो यस मैम मीडियमशिप मीडियमशिप सोल होती हूँ सो हाँ सो so आपने वहां पे वर्ड यूज किया सोल मीडियमशिप है ना करेक्ट राइट आपने पहला जो वर्ड बोला कि विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट इश्यू क्लाइंट है क्लाइंट कोई इश्यूज़ हैं मे बी रिलेटेड टू पास फ्यूचर लेकिन वो आप कर रहे हो सो दैट इज समथिंग साइकिक रीडिंग राइट एंड जब आप किसी जो मर चुका है जो दुनिया में नहीं है जीवित नहीं है इन टर्म्स ऑफ टर्मोलॉजी तो फिर आप उसको सोल मीडियमशिप बोल रहे हो राइट सो दैट इज द आंसर सो फिर साइकिक रीडिंग ऑन द इशूज जिसमें हम एक जने का जो इस दुनिया में है उसके बारे में कर रहे हैं और जब हम वो फील्ड से फोकस करते हैं जो कि पास्ट वंस की है फ्रॉम द बॉडी तब हम मीडियमशिप उसको रेफर करते हैं ऑफ कोर्स यू यूज साइकिक रीडिंग्स इन मीडियमशिप आल्सो ओके सो इट्स नॉट लाइक ए साइकिक आप साइकिक साइकिक इज अ आपका डेवलप करना के यू कैन एबल टू सी सेंस रीड राइट सो यू हियर यू आर नॉट रीडिंग बट इन मीडियमशिप सिर्फ फर्क कहाँ पे आ जाता है कि आप रीडिंग नहीं कर रहे हो आप एक बेसिकली एक चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो सो द दियर वॉट अंडरस्टैंड जैसे कि अभी मैं इसके नेक्स्ट वाला आपको बताती हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग हम लोग चैनलिंग भी करते हैं राइट right? हम लोग काफी लोग चैनलिंग करते हैं आप काफी मोडेलिटीज में चैनलिंग करते हो राइट स्पेशली जिन्होंने फैमिली कॉन्सलेशन सीखा है या ये सीखा है तो वो चैनलिंग करते हैं वहां पे राइट right? So, वहां पे आप क्या कर रहे हो आप एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उस पर्सन के के बारे में जो भी आप उस जगह पे जब खड़े हो उस जने के रिप्रेजेंटेशन में तो आपके दिमाग में या आपको जो महसूस हो रहा है उस पोजीशन में आप वो चीज को बोलते हो राइट लेकिन मीडियमशिप में आप क्या कर रहे हो आप वहां पर खड़े हो, भले ही हो जाओ लेकिन आप जब स्पिरिट से बात कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा है कि आप ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ कर रहे हो सो इट इज लाइक वेयर आप स्पिरिट को सरेंडर कर रहे हो यू आर सर केस ऑफ चैनलिंग यू आर नॉट सरेंडरिंग टू द स्पिरिट यू आर जस्ट सेइंग वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग वॉट एवर आर फीलिंग इट्स नॉट दैट यू आर इन्वॉल्विंग दैट स्पिरिट ऑफ दैट पर्सन टू से समथिंग टू यू एंड देन यू कम्युनिकेट आई होप आपको क्लियर हुआ ये बात is it clear no 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 ma'am ma'am for example जब मैं सपोज आपको किसी मैं बोलू कि आप चलो भूपति जी भूपति जी की फोटो मुझे दिखाई दी चलो आप भूपति भूपति जी बनो ठीक है तो हम में से कई लोगों ने ये किया हुआ है फैमिली कॉन्सलेशन किया है या कोई भी कोई भी चीज़ आपने कोई भी हीलिंग मोडेलिटी की है सपोज आप कोई जने की को रिप्रेजेंट कर रहे हो इफ आई एम से आई एम रिप्रेजेंटिंग से शिफाली ओके okay? बिकॉज मैंने भूपति जी को किया तो उन्होंने डर के अपना वीडियो बंद कर दिया <laughs> अभी अभी ऐसा ना हो कि अभी शिफाली इज ऑल्सो गॉन ओके चलो मैं आई एम नॉट डूइंग इट कि मैं यहाँ पे अब अब शिफाली दिख रही है सॉरी आई डोंट नो हाउ योर वीडियो गॉट शिफ्टेड सो मे बी आई फेल्ट लाइक दैट So, किसी भी जने को इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग तो जब आप उसके फील्ड में खड़े होते हो सो जब आपको बोलने को बोला जाता है कि ओके हाउ आर यू फीलिंग आपको कैसा महसूस हो रहा है राइट तो आप क्या बोलते हो कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं इतने साल की हूँ मेरा मैं इस तरह से भी, इस तरह से मैंने सपोज सपोज मैंने चश्मा भी पहना हुआ है मेरे बाल ऐसे हैं ये भी मैं बोल सकती हूँ मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैर जो है ठंडे हो रहे हैं मुझे अंदर कुछ इमोशन सा महसूस हो रहा है राइट right? उस समय मैं जब बात कर रही हूं तो तब जो मैं उसके बारे में जिसके बारे में भी बात कर रही हूँ उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आई एम नॉट पर्सन टू मी एंड देन आई कम्युनिकेट अंडरस्टूड जो मुझे महसूस हो रहा है उस जने के फील्ड में वो चीज को मैं बोल रही हूँ राइट right? लेकिन जब आप मीडियमशिप करते हो तब द स्पिरिट इज इन फ्रंट ऑफ यू द स्पिरिट इज कम्युनिकेटिंग टू यू ओके एंड यू आर सेइंग कि दिस इज व्हाट द स्पिरिट इज सेइंग डिड यू अब आपको समझ में आया जी, 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 जी. मतलब तो, मैम हम वहां पे फील नहीं करते हम वहां पे सुनते हैं हाँ मतलब एक हुआ कि आप कोई चीज बोल रहे हो

उसमें आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो आप सुन रहे हो उसके उसके थ्रू आपके माइंड में आ रहा है और आप आप माइंड या या जो भी आप विजन है, या जो भी भी विज़न है है आपके सेंसेस उसके थ्रू आप वो चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो और कई बार वो एग्जैक्टली exactly, उसको भी आ वो इजाजत दे रहे हो या स्पिरिट को कि वो भी कोई चीज बोल सकता है डायरेक्टली मैम इट्स लाइक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कि एक बंदा बोल रहा है और वो पास hmm, मैं बोलू सामने hmm. वाला कुछ बोल रहा है और वो वॉइस पास पास कर रहा है मोबाइल इंस्ट्रूमेंट हाँ आप ये बोल सकते हो जैसे वीडियो रिकॉर्डर चल रहा है एक वीडियो रिकॉर्डर चल रहा है आपके फोन के अंदर ऑन है तो आप उसको सुन रहे हो और आप उसको कभी आप उसको वीडियो आप इसको फोन को भी ऐसे ऑन कर सकते हो जिससे कि वो सीधे क्लाइंट को वो भी सुनाई दे जाए जो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है या जो भी रिकॉर्डिंग में आ रहा है राइट right? सो so, यहां पे इसका मतलब है कि मीडियमशिप एक कॉपरेटिव चीज है वेर यू आर कॉपरेटिंग बिटवीन टू पीपल यू आर एक्टिंग एज अ कॉपोरेटिव है ना इट्स विथ टू पीपल Joining together and doing something. So a medium is joining with a spirit and doing something or telling something to the client, and accordingly the client is joining with a this thing, with a medium and communicating something to the spirit. Correct? Mama, I have a question. Can I interrupt? ha boli. Ma'am, for example, I already do a lot of automatic writing, channeling, and all. I'm a healer. So mm -hmm. uh, now I don't connect with these spirits, but I connect with spirit guides, I connect with divine beings, I connect with dif different gods and different deities, and I mm -hmm. uh, give guidance to my clients, to my students, and to myself also through my words and through my written.

You need not come connect to that spirit and get that spirit's messages. All right. Right? So aap spirit guides, rahe ho, aap ye. so of course, in mediumship you use the spirit guides. Right? Hmm. And automatic writing is a part of mediumship only. Because that's hmm. how up, it's it's like one of your clairs. बेसिकली so आप उसमें लिख रहे हो लिख के वो चीज को कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हो स्पिरिट वर्ल्ड से हम्म, है है। ना? ठीक आप लोग इतना confused मत हो उसके उस चीज को लेके, बिकॉज कई चीजों में देर इज वेरी यू नोटर थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन वो डिफरेंस से वो चीज थोड़ी फर्क हो जाती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दोनों चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हो बिकॉज बहुत बार आप इस चीज से दूसरी तरफ भी चले जाते हो सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि इन केस ऑफ मीडियमशिप आप बेसिकली अपने आप को वो स्पिरिट को सरेंडर कर रहे हो वहां आप उस स्पिरिट को इम्पोर्टेंस दे रहे हो इन केस ऑफ चैनलिंग आप इम्पोर्टेंट आप वो इन्फॉर्मेशन अच्छा। को रिसीव करके वो चीज को अपने हिसाब से जो आपको मिल रहा है आपकी इंटरप्रिटेशन आपकी जो भी सेंसेस कर रही है वो आप बोल रहे हो यहाँ पे यू आर डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग द स्पिरिट एंड स्पिरिट एंड थ्रू दट स्पिरंगल दटल डिफरेंस इज दट इजर अम सो वी विल नॉट बी यूजिंग आर इंटेलेक्ट आर इंटरप्रिटेशन आर लॉजिक आर वे ऑफ कम्युनिकेशन विल कम्युनिकेट एज इट इज जो स्पिरिट बोल रही है टू द क्लाइन

and your intelligence and everything and whatever guidance you're receiving so if i've understood it correctly channing yes 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 you can say that yes it's it's 100% almost the same thing what you are trying to say uh, of course the medium may uh, uh, what is important is aapne bola, so joe spirit se milta hai, we communicate to the client the hmm. client understands what that thing means Okay. Hmm. Or the client will say, ke because we are not aware of anything, what it means. And in case of mediumship, what we should emphasize is not on generic things. You know, you're not hmm. trying to tell a very general thing. Ke bhai, I saw your mother in the other world. She is very happy. That's called as a generic mediumship. That is not hmm. what the client is looking for. Hmm. Okay what the client wants to know maybe you are able to say oh your mother name starts with k or her name i heard the word like she was called somebody was calling her krishna okay hmm. and uh, she has a tooth and she was a golden tooth i saw in her face and you know she was saying k uh, don't keep uh, um, fighting with your brother acha Right? Got it. This is suddenly the client will say. Sorry, the client should say, "Wow, yeah, that's what is you know because how did she come to know that my mother had a golden tooth, hmm. or how did she come to know that yes, I fight with my brother at home? You understand? Hmm. Got so it. therefore, there it's not a thing you know where you're simply like in case of channeling many times. I'm not saying like that, but like say in a family constellation we do it. Is like a, if the client asks us, okay, how are you feeling? Like I'm feeling like I'm looking on the other side, I'm not looking at him, or I'm feeling sad. That's like it becomes little generic thing, you know. You understood? Mm -hmm. Got it. Yeah. So if you go further into this, but understand that communication is coming from the spirit. That is what is important thing. Mm. But got it, got it. channeling is you are going into a very deep state. है ना आप ट्रांस में चले जाते हो और थ्रू दैट यू आर सोर्सिंग द डिफरेंट फील्ड्स एंड यू आर गेटिंग ऑल रहे हो और वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके क्लाइंट को बता रहे हो दैट इज कॉल्ड एज अलिंग इनकेस ऑफ दिस यू हैव द स्पिरिट स्टैंडिंग एंड टेलिंग यू अच्छा करेक्ट

so that means the spirit is aware what is happening in your life, it's not that hmm. they have gone out of your life. hmm right yeah understood thank you welcome now um, in this world जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं so हम earthy level पे रह रहे हैं right क्या हम क्या करने को आएं यहाँ पे दुनिया में we have come here to learn as a soul लर्निंग इज ह्यूमन करेक्ट हमने वो बॉडी बॉडी में जन्म लिया है क्योंकि हमको जन्म लेने का मकसद क्या है कि हमको कुछ लेसन लर्न करने तो वो हमारी सोल वो लेसन को लर्न करना चाहती है और क्योंकि वो उस लेसन को लर्न करना चाहती है वो इस ह्यूमन फेज में आती है ओके okay? अब हम जानते हैं हम सबको और के बारे में पता है हम सब चक्राजराज के बारे में तो सब कुछ करते हैं राइट ऑल ऑफ अस आर हीलर्स मोस्ट ऑफ अस हियर वी आर अवेयर अबाउट दर ऑरिक फील्ड द एनर्जी फील्ड इज अराउंड फिजिकल बॉडी सो देर इज अ फिजिकल बॉडी और आपकी बॉडी के अराउंड देर इज एन एनर्जी फील्ड विच इज कॉल्ड एज एन राइट आप हम जब इस दुनिया में रहते हैं हम कितने सारे बिलीव्स लेके आते हैं चाहे वो बिलीव्स हमारे इस दुनिया में फॉर्म हुए हों हु, चाहे वो पास्ट लाइफ्स में फॉर्म हुए हो हु, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के बिलीफ हो, चाहे वो हमारे सोल लेवल पे बिलीफ हो, तो देर इर सो मेनी थॉट्स पैटर्न ऑफ डिफरेंट टाइप्स माइंड सब कॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस माइंड सो देर आर सो मच ऑफ माइंड वी हैव एंड ऑबियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सो मच ऑफ वेट ऑफ दीज था एंड ऑल हमारा बॉडी हमारे फील्ड बहुत डेंस है correct सो so, ये सबको हमको एम्टी करने की ज़रूरत है इसको इरेज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो हमारे थॉट्स प्रोसेस हैं ये थॉट प्रोसेस आर ऑफ एंगर डिस्टर्बेंस फ्रस्ट्रेशन रेज और एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स विच आर ऑल मोस्टली नेगेटिव फीलिंग्स बट वॉट इज द हाइएसट वाइब्रेशन द हाइएस्ट वाइब्रेशन जिसकी है इमोशन की है वो है इमोशन ऑफ लव जो कि हमारे पास सबसे कम है so, अगर हमें स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना है तो ये इमोशन हमको सबसे ज्यादा अपने अंदर लाना है जो सबसे ज्यादा जिसकी हाईएस्ट वाइब्रेशन है जिस इमोशन की वो है प्यार राइट सो yes, yes. right? hmm. so, अगर हमें अपने एनर्जी फील्ड को ग्रो करना है अगर हमें इन स्पिरिट्स के साथ अपना रिश्ता बनाना है इन स्पिरिट्स को कनेक्ट करना है तो हमें ये सब जो इमोशंस हमने स्टोर किए हुए हैं जिसके कारण हमारे दिमाग में हमारी बॉडी के आसपास, हमारे और एक फील्ड बहुत डेंस है तो हमें अपने आप को हल्का करना पड़ेगा और हल्का करने के लिए हमें ये सब चीजों को तो बाहर करना ही पड़ेगा उसके साथ साथ हमारे लव जो इमोशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा ओके okay? सो so, आप लोग सब कल से लव मंत्रा पे लग जाइए हम्म ओके सो जब हम इस वर्ल्ड में हैं तो हमारी एक फिजिकल बॉडी है जब हम मरते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी नहीं रहती अगर कल को सपोज आपका एक टीवी है घर पे टीवी है या मोबाइल है अगर वो उसका स्क्रीन टूट जाता है तो आपको उसके अंदर का डेटा सपोज नहीं दिखाई देता जो भी आपका स्क्रीन खराब हो गया है ना और उसकी वजह से जो भी आप टाइप कर रहे हो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब क्या ये है कि उसकी वाइब्रेशन या खत्म हो गई क्या ऐसा होता है हाँ कोई बोलेगा नहीं, क्या, जब नहीं, ऐसा दोड़ी दोड़ी no, दोड़ी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसकी रहती है ना वाइब्रेशन तो उसी तरह से चाहे कोई भी चीज है जो ईश्वर जो जो हम सब यहाँ दुनिया में आए हैं हमारी फिजिकल बॉडी नहीं रहेगी तो भी वो लाइफ नहीं खत्म होगी वो लाइफ वो वाइब्रेशन रहती है राइट दैट इज टू से हाउ एनीथिंग इवन इफ इट इज ब्रोकन इवन इफ इट इट स्क्रीन इज नॉट देयर

So, हमारे साथ क्या होता है हमारे साथ हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो भी जाता है और ऑब्वियसली आप सोचोगे कि आप इस दुनिया से वहां जाते हो तो जो भी आप सोचते हो जो भी आप कहते हो जिस तरह से भी आप खराब हो गए गंदे हो गए बेकार हो गए जो भी आपकी चीजें यहां पर थी जिस तरह का आपका कैरेक्टर जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी यहां पर थी तो वही सब चीजें हमको वहां पे हम क्या कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्या लगता है किसको क्या लगता है यस मैम वी कैरी और हमेशा के लिए इसका मतलब कि जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा फिर वहां पे जाके टिल वी रियलाइज टिल वी रियलाइज कि वी आर डूइंग बैड और एनी वेरी गुड एक्सीलेंट कुछ संस्कार भी होते हैं व्यक्ति के hmm. जो संस्कार उसको दिए जाते हैं जो उसने देखा होता है वो उसी अकॉर्डिंग भी बिहेव भी करता है टाइम्स लेकिन okay. जब वो इवॉल्व uh, होता है तो उसमें चेंजेस डेवलप होते हैं तो आ, हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता लेकिन हाँ कुछ संस्कार बहुत डीप रूटेड होते हैं जिनको हम ट्रिगर कहते हैं या करेक्ट बहुत अच्छी बात सो so, ममता uh, जी थैंक यू तो जो आपने बताया वैसे ही है तो जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो मैं इनफैक्ट मैंने सोल जर्नी में या एनसेस्टर हीलिंग में मैं भी मैंने ये कहा था कि कई बार जो है हमको ये लगता है कि जब हम किसी को खराब देखते हैं यहाँ पर इस दुनिया में जिसके साथ हमारा रिश्ता ख़राब था अच्छा नहीं था तो हमारे मन में उसके लिए खटास रहती है और जब वो इस दुनिया से भी चला जाता है तो हम यही सोचते हैं कि अभी भी वो ऊपर जाके वैसे ही खराब होगा तो ऑफकोर्स ये नहीं होता कि वो वैसा ही रहता है क्योंकि देर इज़ अ सेंस ऑफ एवोल्यूशन देर इज़ अ वे वी इवॉल्व एज अ सोल इस दुनिया में कुछ सीखने के लिए या सिखाने के लिए किया राइट right? तो जब हम उस दुनिया में जाते हैं तो हम यहाँ लेसन ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे लेसन पूरे हो गए और देर इज लेसन टू बी लर्न इवन देयर So, ये आपकी जो जिंदगी है वो तो हर जगह पे चल रही है तो वहां पे जब आप जाते हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत सी चीजें देखनी होगी समझनी होगी तभी तो हम दूसरी जन्म लेते हैं जब हम ये समझ पाते हैं कि हमने ये जन्म में तो बहुत सी चीजें की नहीं या बहुत सी चीजें हमारी रह गई या बाकी थे तब हम उस चीज को चेंज करने के लिए या वो चीजों को फिर से भुगतने के लिए इस दुनिया में आते हैं तो इसका मतलब कि ऑब्बियसली हम अपने साथ वो सब चीज़ें ऊपर पहले लेके जा रहे हैं वो हमारे साथ थोड़े समय तक रहती है और जब हम धीरे धीरे वो प्रोसेस में आगे बढ़ने लगते हैं जैसे जैसे हम वो चीज़ों को देखते हैं महसूस करते हैं हमने क्या किया क्या नहीं किया तब हम वो चीज़ों को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं राइट देन दैट शिफ्ट हैपन्स सो बट इट टेक्स सम टाइम टू शिफ्ट राइट सो इट कैन हैपन समाइम्स ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप ये बोलोगे कि हम अगर स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सारी स्पिरिट्स तो खराब भी हो सकती है ना बहुत सारी खराब स्पिरिट्स हमको मिल जाएंगी और वो फिर हमको तंग करेंगे सो इट्स नॉट लाइक दैट क्योंकि अफकोर्स जो जितने भी इमोशंस ज्यादा से ज्यादा खराब हैं वो हमारे इस दुनिया में है जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो वी आर गोइंग एज अ फॉर्म ऑफ अ लाइट वी आर नॉट कैरिंग देवीनेस ऑफ दीज इमोशंस पर फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी फील्ड हमारे साथ जा रहा है जो कि हमारे कुछ ऐसे संस्कार जैसे आपने कहा वो हमारे साथ डीप रूटेड फिर भी रहेंगे और थोड़े टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे या वो भी कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट वैसा नहीं रहेगा जैसा इफेक्ट हम यहाँ महसूस करते राइट सो देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है सो देरफोर वी डोंट फियर कि हम कोई ऐसे लोगों से मिल जाएंगे जो हमको पकड़ लेंगे बंद कर लेंगे या दिस ओनली बट इट माइट गो बिट डीपर सो यू आंसर अकॉर्डिंग टू explanation or और वेदर इट an एन एक्सप्लेनेशन इन योर एडवांस कोर्स what आई want टू अंडरस्टैंड इज for example, they say that, uh, you know, when spirits die, like our ancestors and all die, they first go to a pitralok. and mm. every, all of them are in that realm. Mm. and mm. only when they are like in their light bodies, like how we are right now working on our light bodies, only when they are in very light bodies, when they realize their soul lessons, where they're enlightened, then they're, then only they move towards the Dev lok or the ascendant masters' Ka Lok. so yeah. uh, if somebody is in Pitralok,

इट इज गेटिंग द कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट साइड टू दिसड हियर यूर नॉट ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू देम के वॉट आर यू डूंगाउल इट हेल्प ओके लीव दैट टू देम अच्छा वो वहां पे गए हैं सोल वर्ल्ड में जो भी जहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में तो वो जो है वो हमसे काफी है

no suppose so, a client comes so clients maybe uh, to their ancestors and to their ancestors from their ancestors to the clients like let's say like that no <coughs> no, no common okay see I want to understand one thing aap ये बोलना चाह रहे हो कि हम ancestors को advice करें कि वो क्या करें और are you trying to say कि आप ancestors को कुछ चीजें communicate करना चाहते हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ या मैंने ऐसा किया या मैं ऐसा करूंगा नहीं आर सी आर लाइक है इधर उधर घपला किया था

जो कि हमारा प्रोस्पेक्ट हेल्प करेगा जो हमको बेटर करेगा तो ऑफकोर्स इट एंड बट हम उनको ये नहीं करेंगे एडवाइस कि आप क्या करो वहाँ पे कि आप कैसे पितृलोक से देवलोग पहुंच सको नहीं my, my question yeah. was opposite But, only. Like, जो do... आप पूछ रहे हो ना बेसिकली ये क्या है कि आप हीलिंग देना चाहते हो या हाँ, आप उनको असेंशन देना चाहते हो इट इज डिफरेंट थिंग एंड व्हाट मैम इज इज सेइंग डिफरेंट थिंग आप असेंशन नहीं दे रहे यू आर जस्ट अ अटर यू आर जस्ट अ ट्रांसलेटर दूसरे शब्दों में या, आप या, हिंदी God. का इंग्लिश हाँ, में यू आर जस्ट हाँ ट्रांसलेटर जैसे कि कहना लेकिन आप जो बोल रही हैं वो आप बोल रही है असेंशन का दैट इज सोल असेंशन समझ लो पितरों का एसेंसियल व्हाट वी हीलर्स डू ठीक है हां डिफरेंट है ना हाँ करेक्ट करें या ऐसा बोल सकते हो जो आप बोल रहे थे कि जैसे कि बहुत सारे सोल स्टक रह जाते हैं जो स्पिरिट्स स्टक रह जाती हैं इस वर्ल्ड में या जो पूरी तरह से ऊपर नहीं जा पाती हैं Uh, नहीं बन पाती या अपने प्रोसेस में वो कुछ अनवांटेड चीजें या अनरियलाइज या un, जो डिजायर्स उनके सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं इसकी वजह hmm. से वो यहाँ पर अटकी हुई है राइट right? सो hmm. so, वो आप बोल रहे हो इन बिकमिंग एन इन्सेस्टर राइट दैट इज वॉट इफ यू आर सीट लाइक आई एन एक्साम्पल सो देट यू अंडरस्टैंडल आई एन एक्ल ऑफ माई ग्रैंड मदर होंगी So mm -hmm. uh, uh, she keeps coming in my dreams and everything. And long now I'm a healer. but before I was a healer, I visited a psychic and she told that, you know, she's been wanting you to do something and she's stuck. Because how she died was uh, there was a lot of property conflict in her home, like within her sons and within her daughters. My mom was not involved. My mom did not want to get involved because my mom knew that I don't like, you know, I'll unnecessarily get involved in all of this. But how she died was she had a big fight with her son with the property. And immediately after her uh, fight, she died. And uh, then she's been coming in my dreams also a lot of times. And uh, you know, so multiple things have happened, so I wanted to understand that. Like, if I become a medium, okay, uh, then okay. can I understand from her side what needs to be done? Yeah, yes, uh, to you can understand. To help her move forward, and then do my uh, whatever processes I do as a healer for her blessings and clearing her karmic debts and everything. That was my second step, yes, yes like, that. You know, that can... was not my preliminary step, yeah, that was so, my second step. So, the steps that is a step which you have to take here. Understood. Hmm. Means what I was getting impression you are talking about steps there. No. But no, no. here you are talking about the steps jo yahaan par hai, right? Haan, haan. Hey, yes, of course. Go uh, uh, that is the communication. Of course they can give and you can work on it and accordingly things will move. Yes. Okay. Thank you so much. Yeah, most welcome. Ma'am, may I ask a question? I mean, thanks Not for your problem. wonderful. आई एम डॉक्टर स्मिता शर्मा एंड आई बीन लिस्निंग टू मैनी मैं बहुत ज्वाइन करती हूँ गुरु जी कोर्सेज आईन लिस्निंग टू यूटिफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मीडियम शिफ्ट एंड बिकॉज मैं इसमें बहुत कोई मैंने नहीं किया हुआ मैं सबमिशन टू यू की जब हम पहले ये तो ये सब चीजें बहुत पहले से और पुरातन हमारे संस्कृति की हैं भी लेकिन इसके लिए कुछ चुने हुए लोग ही इन चीजों में वेंचर करते थे जब अब हम ये अगर हम सेल्फ प्रोक्लेम जैसे सीखते भी हैं तो एक यात्रा होती है हर जने की, एक अपनी की यात्रा होती है उसको करे बगैर क्या इस तरह की विद्याओं में वेंचर करना उचित होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आपकी खुद की जिसको हम किसी भी भाषा में और आट्रॉन्ग कुछ भी कह ले तो आपके ऊपर जैसे आपने अभी क्लैरिफाई किया कि भाई उस वर्ल्ड में जब हम जाएंगे तो देर कैन बी मल्टीपल इट इज इंटरफेयरिंग विद द स्पिरिट वर्ल्ड सो पहले तो खुद को इतना हम स्ट्रॉन्ग कर पाए कि हम उसे हैंडल कर पाए बिकॉज एवरीबडी हु इज सेल्फ प्रोक्लेमिंग दैट आई एम अ हीलर ट्रूली स्पीकिंग वर्ल्डली मैटर्स में ही वो पहले uh, कितना सक्सेसफुल होता है मुझे तो ये लगता है अपनी नॉर्मल हैंडलिंग और इसमें आई मीन यूज जर्नी इन दिस वर्ल्ड सो जैसे पहले पहले भी बहुत हमारे गुरु सोच के देते थे ये विद्या दस शिष्यों में से किसी एक को तो क्या ये चीजें सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए और जब नहीं होती तो वो हाफ डन कहीं ना कहीं स्टक होने की चांसेस नहीं होते मेरा ये सब था पहली बात तो जो ये विद्या है ये विद्या में ऐसा नहीं है मैं आपको वहां पे पहुंचा रही हूँ या उनको मैं आपके पास लेके आ रही हूँ ठीक है ये विद्या जो है वो आपको खुद को जो आपने कहा एग्जैक्टली exactly वही है अपने आप को उस चीज के लिए काबिल बनाना जी so ये जो जर्नी है।, है या ये जो कोर्स होगा ये कोर्स ये नहीं होगा कि आप स्पिरिट से ऐसे ही बात करना शुरू कर देंगे ट्रू वेरी ट्रू एग्जैक्टली देयर व्हाट इज अनकी उसके लिए और तो कहती जैसे पीएमटी या आप नीच करते हैं अपने आप को एलिजिबल मेन्यू पर टू अ लिसनिंग वेरी फ्यू ऑफ द अस आर कैपेबल ऑफ रीचिंग टू दैट लेवल हु कैन जेन्युइनली इंटरेक्ट एट दैट स्पिरिट एंड द वाइब्रेशन लेवल तो मुझे कई बार लगता है कि हम तो अपने आप को सबसे ज्यादा इंसान अपने आप को सेल्फ लव करता मैं तो ये हूँ मैं ये कर सकता हूँ मेरा यह मानना है कोर्सेज कोर्सेज के के बाद भी मैंने कितने करे हैं के, सब फिर भी मैं कहूंगी अभी मेरी यात्रा बाकी है तो पहले तो हमें खुद को भी अपने आपको एक एलिवेट करना पड़ेगा तब हम इस जर्नी में वेंचर कर पाएंगे मेरा बस ये, हाँ वो जो आप बात बोल रहे हो तो ये जर्नी आपकी वही तो है अपने आप को एलिवेट करने की ये जर्नी में आप बेसिकली जो करने वाले हो वो जी. यही करने वाले हो कि अपने सेंसेस को अपनी काबिलियत को अपनी वाइब्रेशन को हाई करने को एम वेरी ट्रू मैम लेकिन फिर अब उतना करा उसके बाद गोइंग एंटरिंग इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड उसकी कैपेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि हर एक व्यक्ति में हो पाती होगी और वो मैं नकारात्मक नहीं है मेरी सोच की करने से पहले ही क्यों कह रहे हैं

yes so we have to cultivate love so Thank if we are not cultivating so much love, for your beautiful explanation how, how will we go as at a higher vibration right uh, but another thing i would like to say is ki of course jo um, uh, we have to understand one thing ki capability kisi mein hai ya nahi hai ye to samajh pana एक आसान काम नहीं है क्योंकि capability ऐसी भी होती कि बहुत बार अपने अंदर होती है लेकिन वो छुपी होती है वो दिखाई नहीं देती या हमको पता नहीं होता तो जब तक के आप हीरे को तराशोगे नहीं तब तक वो हीरा नहीं दिखाई देगा तो बेसिकली आपको प्रयास तो करना है कि हीरे को तराशो सो so, उसके लिए जो आपको स्टेप्स उठाने देखिए ये जो हम इस कोर्स में करने वाले हैं या सीखने वाले हैं वो ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो आपको सिर्फ स्पिरिट मीडियमशिप के लिए इस्तेमाल होती है वो ऐसी तकनीकें हैं जो कि आप कोई भी हीलिंग वर्ल्ड में या कोई भी आप चीज कर रहे हो, उसके अंदर उनका उपचार उनका यूज होगा और जब आप वो चीजों में बेहतर बन बन पाओगे बन पाओगे ठीक तभी आप वो चीज कर पाओगे तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप भले ही कोशिश कर लो लेकिन जब तक आप उसके लिए पूरी तरह से खरी तरह से उभरोगे नहीं वो चीज अपने आप ही नहीं होगी पॉसिबल तो वो उसमें किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं कह रहे आप कैसे उसमें घुस गए और कैसे आप कहाँ अटक जाओगे क्योंकि आप वो वो चीज में पहुंच ही नहीं पाओगे जब आपके पास वो चीज की वो उस तरह की आप वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करोगे सो देर इज नथिंग टू फियर कि मैं कहीं अटक जाऊंगा या मैं कहीं हो क्योंकि आप कहीं जा नहीं रहे हो आप इसी दुनिया में रह रहे हो जो स्पिरिट्स हैं वो भी इसी दुनिया में ही आपके पास हैं So, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कहीं की यात्रा आपको कहीं बाहर की यात्रा करनी है आपको सिर्फ वो उन चीज उनको सिर्फ देखने का या समझने का महसूस करने का वो जो पर्दा आपने अपने और उनके बीच में डाला हुआ है सिर्फ वो पर्दे को हटाना है और वो पर्दे को हटाने के लिए आप जैसे जैसे अपने खुद के अंदर वो आ, आ, लाइट ले आओगे तो वो पर्दा आपको सामने से अपने आप हट जाएगा I hope it is clear. Bolu, Ek bolu. Uh, it Thank is you like maim. that. The carbon is, haan, yeah, it is like that that carbon is present in coal also, and carbon is also present in diamond. Hmm. Okay, carbon Sorry. is there. Hmm. So uh, it depends upon the stage of carbon. Wo hmm. kya hai. So hmm. it depends on the stage of you hmm. who will learn the course that.

ये चीजों को हर कोई देख सकता है समझ सकता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज नहीं है ना ही कोई अलग सी चीज है जो कोई मैं करने वाली हूं या बताने वाली हूं लेकिन सिर्फ मैं वो पर्दे को हटा रही हूं जो आपकी आंखों या आपके सामने पड़ा हुआ है ऑल करेक्ट सो इसीलिए ये जो आप प्रोटेक्ट

राइट right? सो so, हमें अपनी लाइट को बढ़ाना है हमारे अंदर जब वो रोशनी आ जाएगी तो अगर उस तरफ डार्कनेस भी है तो वो डार्कनेस उस लाइट से गायब हो जाएगी सो इफ यू रेज योर वाइब्रेशन यू रेडिएट द लाइट दैट इज योर प्रोटेक्शन आपकी प्रोटेक्शन क्या है आपकी प्रोटेक्शन तंत्र मंत्र तो सब यहां पे भी होते हैं पर हर कोई तो तंत्र मंत्र से अफेक्टेड नहीं होता ना क्यों नहीं होता क्योंकि उसकी खुद की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने आप को वो उतना प्रोटेक्ट कर सकता है फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप सफर नहीं करते या आप उसके उसमें नहीं आते लेकिन हमारा प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए कि हम रेडिएट करें लाइट सो दैट वी कैन रीच दैट हाई वाइब्रेशन और दूसरी चीज ये भी है कि देर इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्री विल एंड यूनिवर्स उसको हमेशा ऑनर करता है Law of universe that. तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा जना आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो कि आपको नहीं चाहिए या आप उसको स्वीकारते नहीं हो या आपके से रेसोनेट नहीं होती है तो आप उसे मना कर सकते हो एंड दैट स्पिरिट विल फॉलो इट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज everything in this world works around the law of universe. There are all laws, so they will never go against the free will. उसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑफ़ कोर्स आप स्टेटमेंट्स के द्वारा जो हम हमेशा बोलते हैं इंटेंशन अपनी रखो कि इफ आई डोंट वांट एनीथिंग यू कैन ऑलवेज हैव क्लियरिंग स्टेटमेंट अपने और को क्लीन करो अपने चक्रास को क्लीन करो अपने आप को क्लिनस करो अपने एनवायरमेंट स्पेस को क्लिन करो सो आप की चीजें हम जैसे घर की सफाई रोज करते ही हैं, घर की सफाई करते हैं खुद भी नहाते हैं धोते हैं क्या हम ये बोलेंगे कल नहाए थे तो आज नहाने की जरूरत नहीं कल ब्रश किया था तो आज ब्रश करने की जरूरत नहीं ऐसा नहीं है ना चाहे हो सकता है भाई कई जगह पे बहुत गंदगी भी होती है तो भी मिट्टी विट्टी भी लगती है पर कुछ ऐसे भी देश हैं जो बहुत साफ सुथरे हैं तो क्या लोग नहाते धोते नहीं है right?

भगवान ने या बोलो ये हमारे यूनिवर्स ने सभी को हमें ये एबिलिटी दी है हर हाँ। तरीके की एबिलिटी दी है हम सब में वही चक्रा है वही सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड है वही वही हमारी थर्ड आई है वही सब अब कौन किसको कितना एक्टिवेट करता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है और रही जर्नी की बात जर्नी हमें अपने अंदर की करनी चाहिए ये जर्नी नहीं करनी चाहिए कि हमने कौन सी टेक्निक सीखी है कौन सी नहीं सीखी सबका रूट एक ही है हम क्या कर रहे हैं एनर्जी को कहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बस वो हम देखते हैं कि हम बैड कर रहे हैं या गुड कर रहे हैं किसी की मदद कर रहे हैं किसी का नुकसान कर रहे हैं आज मैं बोलू की हीलिंग कर रही हूँ मैं किसी की अच्छाई के लिए कर रही हूँ तो वही हीलिंग मैं किसी की गलत काम के लिए भी कर सकती हूँ लेकिन उसमें क्या है मैं अपने कर्मास खराब कर रही हूँ किसी का कुछ नहीं जाएगा तो और सबसे बड़ी बात है हम किसी को नहीं चुनते वो चीज हमें चुन रही है

राइट right. और वेरी right. वेरी मैं तो आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये कोर्स ये लॉन्च किया हम्म hmm. क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आ, हमारे जो डॉक्टर हैं जो जिन्होंने कहा वो गलत है लेकिन बस वो हो सकता है वो यहाँ पर इसलिए हो कि शायद शायद वो अपनी सॉरी सोच को ट्रांसफॉर्म करें अपनी दे, अपने देखने की तरीके uh, को ट्रांसफॉर्म करें एवरीथिंग इन अंडरस्टूड इन अ वेरी गुड परस्पेक्टिव कविशा हाँ, तो जी जस्ट होल्ड ऑन मैडम बीइंग एन अथॉरिटी ऑन ए वेबिनार कंडक्ट कर रही हैं तो मेरे भी मन में जिस तरह आप सब लोग डाउट डाउट नहीं अपनी अपनी हम लोग बातें क्लियर कर रही तो अपनी बात ही कर रही हूँ बात ही कर रही हूँ नहीं मैं कुछ और कहने का मतलब ये है तो

so let me close this topic तो and please I, uh, I mean uh, there, दिखे nobody दिखे इफर, दिखे इफर, दिखे। if somebody raises a doubt that is very very bad that इसका मतलब आप लोग इतने हम तो मैं बात ही नहीं कर रही मेरी भी लेवल नहीं है लेकिन मैं क्लैरिफाई गुरु से कर रही हूँ रियली क्लैरिफाइड थिंक्स एंड आई एम नॉट am not टू इट ऑल्सो थैंक यू सो मच

पूरा दोबारा सुनिएगा रिकॉर्डिंग तो ये मेरी कोई एंटी वो नहीं है मेरी एक बिल्कुल सही वो है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन हर एक को आपने जवाब भी बहुत सुंदर दिया तो इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है मैम थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू सेड एंड आई एम वेरी ओपन बिकॉज मैं नहीं तो अपनी एक जर्नी करना चाहती हूँ और मैं कोई क्लेम भी नहीं करती मैं कुछ भी नहीं मैं बिंदु हूँ थैंक यू मैम नहीं नहीं मोस्ट वेलकम ओके okay. सो uh, so, अब हम जब स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं सो so, ऑफकोर्स हम क्लेयर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं लेकिन हम हमारा जैसे फिजिकल बॉडी के एक सेंसेस हैं राइट आपके कान है आपकी आंख है आपकी जबान है आपका स्मेल करने का है फील करने का है बॉडी का स्किन लेकिन जब आपकी आप स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्पिरिट वर्ल्ड की तो बॉडी नहीं है उनकी तो फिजिकल फॉर्म नहीं है सो so, आप किससे किस के साथ कर रहे हो तो यू आर कनेक्टिंग टू द सेंस सो ये चीज का आप महसूस तब करोगे जब कोई आपसे कनेक्ट करता है टू योर फिजिकल बॉडी व्हेन यू डोंट फील दैट वे आपको वो आंख आप में वैसा नजर नहीं आता या आपको कान में वैसी आवाज नहीं आती क्योंकि वो कई बार स्पिरिट जो है वो इमेज आपके दिमाग में डालती और फिर वो इमेज को आप देखते हो तो वो ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि हम फिजिकली किसी चीज को देखते हैं समझ गए सो दैट इज देर इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर और हमारे आस पास और है सो इफ समथिंग इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू अस सो देर इज एन ऑर फील्ड ऑल्सो ना तो दैट विल कनेक्ट टू द एक फील्ड राइट सो उनका जो और है उनका जो एनर्जी फील्ड है वो हमारे एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट होगा राइट इट विल मर्ज विद आर एनर्जी फील और वहां पे अगर आप जैसे अब हम हम बात कर रहे थे चैनलिंग के टाइम तो हम क्या कर रहे हैं डेटा को चैनल कर रहे हैं मेमोरी को चैनल कर रहे हैं डिटेल्स को चैनल कर रहे हैं बट आप यहाँ पे चाहे तो आप उस चीज उनको अगर महसूस करना चाहते हैं उनको देखना चाहते हैं उनको सुनना चाहते हैं तो यू आर एबल टू डू दैट प्रोवाइडेड वो आप इंटेंशन रखो

तो यू कैन कभी कभी हम ऐसे ही बैठे होते हैं और सडनली आपने देखा होगा आपको ऐसे ही रोने आला, रोना आने लगता है या आपको कुछ ऐसी अजीब सी कुछ चीज महसूस होने लगती है आपको कोई चीज की किसी की याद आ जाती है आपको एकदम से कभी कभी जैसे कि मैं बताती हूँ मैं सोल जर्नी का लेक्चर वेबिनार लिया था मुझे इतनी ठंड लगने लग गई थी एकदम से एंड आई वॉज एक्चुअली रिमेंबरिंग माई फादर एंड मदर सो I started feeling their presence in that form. Okay, they were making my body feel that. So today I told my father that yes, you be present and my mother, but you do not make me feel cold. Otherwise, मेरे को बोलने में तकलीफ होगी क्योंकि फिर मैं शिवर करने लगूंगी मेरी वॉच वॉइस वो होने लगेगी so मैंने कहा कि अगर आपको मुझे अपना एहसास दिलाना है कि आप मेरे पास हो तो मुझे कामनेस कूलनेस ऐसे प्रदान कर कि मुझे वो चीज महसूस हो या मुझे अपनी बॉडी में ऐसा एकदम से ऐसा महसूस सो यू कैन मेक द स्पिरिट डू वॉट यू वॉन्ट हाउ दे यू वॉन्ट देम टू एक्सप्रेस दम सेल्फ आप ये चीज कर सकते हो दैट इज वॉट हैपन्स इन द मीडियमशिप बट के आप उनको परमिशन देते हो टू डू समथिंग विदाउट परमिशन नो बडी डस हाँ बोलिए मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने अभी कहा कि आपके मम्मी पापा को आप फील कर पा रहे थे ठंड हाँ। के कारण तो कई साल हो जाते हैं जिनको गुजरे हुए तो क्या वो भी हमको फील होते हैं हाँ क्यों नहीं पर मैम तो हमारे के हिसाब से है ना नहीं मैम हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है ना कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है जन्म ले चुकी हुए कहीं और फिर वो कैसे हमको फील हो सकते हैं मैम वो क्योंकि... तो सिर्फ घर बदलता है ना कपड़ा बदलता है आत्मा तो, 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 सब, सब तो हाँ, हाँ, so इसीलिए आप बोलोगे फिर मैं तो ऊपर जाऊंगी तो मेरे पापा मम्मी तो कहीं और जन्म ले चुके होंगे तो मुझे ऊपर कैसे मिलेंगे जी मैम राइट वो मेरे को लेने को कैसे आएंगे वो तो कहीं और होंगे जी ऐसा हम बोलते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स हमको लेने को आते हैं जी तो फिर जी, हमारे एंसेस्टर्स हमको लेने को क्यों आएंगे वो तो कहीं और जन्म ले चुके होंगे ना तो मेरे पास कैसे खड़े होंगे सो देर इज अ इज अफ दिस थिंग बिलीव दैट देर इज नॉट जस्ट वन सोल एवरी देर आर मल्टीपल सोल्स एंड देर आर मल्टीपल प्लेसेस एज सोल्स वी कैन टेक बर्थ देर इज नॉट जस्ट बर्थ ऑन अर्थ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम धरती पे जन्म लेते हैं इसके अलावा भी देर आर पैरल वर्ल्ड जहां पे हम जन्म लेते हैं हम इंटरप्लिटरी सोल्स भी हो सकते हैं हम आ, आ, ऐसे एंजेलिक सोल्स भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि हम अर्थ सोल्स ही हों तो इंटरप्लिटरी मतलब हम और प्लानिट्स के ऊपर स्टार्स कॉन्स्टोलेशन कहीं और भी जन्म ले सकते हैं और एक टाइम पे भी हम कई जन्म ले सकते हैं कई जगहों पर और जो सोल यहाँ पे आती है वो बर्थ सोल होती है जो उसका अंश ऊपर रह जाता है वो वहीं पर रहता है हायर सेल्फ बोलो या आपका और जब आप ऊपर जाते हो तो आप उनको मिलते हो वहां ठीक है ठीक है मैम एक सवाल और करना था हाँ जरूर पूछिए हम लोग हम लोग इंसानों से ही इसे मतलब जो इंसानों की सोल से ही संपर्क कर सकते हैं या जो हमारे जानवर होते हैं पेट्स होते हैं जानवर से भी कर सकते हैं कर सकते हैं हम हाँ हाँ जरूर ना सोल कीड़े की हो चाहे जानवर की हो चाहे वो बर्ड की हो चाहे इंसान की हो बस हमारा दो दो वो हमारा वो क्या बोलते हैं ढांचा बदल जाता है कि हम एनिमल के रूप में पैदा हुए हैं मिलना सबको एक ही जगह है मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ हाँ पूछो ना बहुत सिली क्वेश्चन है वैसे तो जैसे सब सबकी सोल एक होती है सबकी आत्मा एक होती है सबको एक ही जगह मिलना होता है तो क्या, क्या जैसे हम तो जैसे हम किसी कॉकरोच को मारे <laughs> तो, क्या, तो क्या उसकी सोल भी निकलेगी तो उसको भी यमदूत लेने आते हैं क्या <laughs> आ देखो अभी ये यमदूत की फिलॉसफी तो ऑफकोर्स हमारी खुद की है जैसे हाँ। हमारे एंसेस्टर्स लेने आते हैं वैसे उसके एंसेस्टर्स भी लेने आते हैं उसको <laughs> मैं कई बार ये सोचती हूँ बैठ के हाँ बस नहीं यही अफकोर्स क्वेश्चन था आ, और मैम एक क्वेश्चन और है जैसे रिकार्नेशन होती है जैसे कई ऐसे बच्चे हैं कई ऐसी चीजें हैं जो प्रूव हुई हैं जिनको बर्थ लेने के बाद अपने पिछले जन्म का याद होता है हाँ करेक्ट हेलो तो क्या आ, उनकी भी कोई सोच अब जो सपोज कोई एक बच्चा है जो आप तो वो तुम्हारी तो आवाज नहीं सब अब आ रही है मेरी आवाज हाँ 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 बोलो मैं कह रही हूँ सपोज एक बच्चा है वो किसी एक परिवार में पैदा हुआ लेकिन हाँ। वो बच्चा रिकार्नेशन में बोलता है मैं तो इस परिवार का हूँ हाँ करेक्ट ठीक है तो हाँ। उस जो प्रीवियस परिवार का जो वो मर गया था उसके लिए वो एनसेस्टर ही हुआ लेकिन वो तो इस सामने वाले परिवार में पैदा हो गया हाँ करेक्ट तो हम तो हम उनको भी हम चैनलिंग कर सकते हैं मतलब पैदा हुआ बच्चे की नहीं हाँ, मतलब मैं कैसे समझाऊ जैसे जो मर गया उसको सपोज मैं हाँ, मर गई मैं, हाँ मैं, हाँ कर सकते हैं जब आप दूसरा जन्म ले रहे हो आप भले ही आप, आप कहना चाह रहे हो कि वो पास अपनी याद कर रहा है राइट उसको पास लाइफ अपनी याद है राइट बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो पास लाइफ थी ना उसकी हम अच्छा। सबकी पास लाइफ होती है हम सबकी पास लाइफ को हम लोग को याद होती है लेकिन क्या होता है जैसे जैसे हम बचपन में जब हम बोलना शुरू कर देते हैं उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी सारी पास्ट लाइफ भूल जाते हैं इसीलिए पास बचपन मतलब जब हम बोलते नहीं हैं तब तक हमारी पास्ट लाइफ हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह से हमको याद रहती है और हम उसके हिसाब से एक्ट भी करते हैं उस हिसाब से रोते भी हैं बोलते भी हैं चीज़ें भी मतलब बोलते मतलब हम ऑफकोर्स लैंग्वेज ये नहीं बोल पाते पर कुछ लोग होते हैं जो कि बोलना भी शुरू कर देते हैं फिर भी उनके अंदर वो पास्ट लाइफ की मेमोरी नहीं जाती है और इसीलिए वो उसके बारे में बताते हैं इफ वी रिमेम्बर सो मेनी पास हमारी इतनी सारी पास्ट लाइफ है देन हाउ विल डील विद करंट लाइफ इसीलिए उसकी मेमोरी को जाना जरूरी है है ना तो इसीलिए वो अपने आप चली जाती है, है। और एक फील्ड हमारी सारी पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन रहती है हमारे सारे इस आसपास सब सारी जन्मों की गाथा है तो वो हम कभी भी टैप कर सकते हैं बिल्कुल मैम ठीक है मतलब हम उनकी वाइब्रेशन को टैप करेंगे मैं मैं, मैं ये बात सुनिए मैम मेरा एक आ, बात है जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है और फोर्थ चैप्टर में बहुनी में व्यतीतानी ता, जन्मानी तब तानी सर्वानी वेदहं तत्वं विद्धि परम तपः पुत्वहे अर्जुन तुम्हारा भी बहुत जन्म है मेरा भी बहुत जन्म है मगर उसको मैं जानता हूँ मेरा जन्म सब जानता हूँ तुम जान नहीं सकते देसी डिफरेंट बिशोइन असेंडेड मास्टर एंड जनरल मैन तो हम लोग जो है जो अपना जो ये जो हमारा स्मृति हम, हम जातस्मर नहीं है जो आप आपको अरे वही जातस्मर को बात करने के लिए ये आप जो तरीका आप बता रहे हैं उसको हम अटेंटिवली सुनना चाहिए विदाउट पुटिंग एनी क्वेश्चन दिस इज माई हम्बल मोनिका मैम हाँ हाँ सुकुमारन जी का रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में वो जिस पूरे क्लास का बताने के लिए आप जस्ट देख लीजिए मैसेज ओके ओके सॉरी सब चैट्स मैम मैसेजेस या ओके वन मिनट आई एम अनेबल टू just a minute wait because chat I was not able to see uh, okay okay um uh, just a minute can you okay may uh okay sorry sukumaji I'll tell you in English after some time uh which other chats I'm unable to see?

अमृत आत्माओं से बात कर सकते हैं वॉट एवर फर्स्ट थॉट कम्स इन माइंड दैट इज मैसेज यस मैम ओके बात कर सकते हो स्पिरिट गिव्स एविडेंस इन शॉर्ट एक्सप्लेन मीडियमशिप एंड चैनलिंग इन इंग्लिश ओके ओके सी ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि सेंट स्पिरिट बुरा करने के लिए ऑन दैट इज अ डिफरेंट थिंग आप ऐसे कुछ बात कर रहे हो जैसे ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट थिंग राइट ओके एनी वे मैम इज आस्क वन मैं Yeah, uh, Ma'am, i don't it is subjective new to me and uh, my questions may be wrong also because of lack of now knowledge so just for knowing from you i'm asking but i know what i have heard actually not i know but i have heard that uh, you may correct me and if you please explain on this uh, what i have heard from others that uh, there is something called low vibes that is low vibration and vibrational energies and low spirits i don't know if low spirits is the right term and also those spirits who have not gone to the other realm uh, they are still in the earth zone so are they really converted to light i mean they are not converted but then we are calling them as low spirits so, mm. and, they, uh, and I have also heard that those low spirits who have not actually gone to their realm, they try to trouble human, human bodies who seek and all. Uh, or maybe you is, is, is malintention that low spirits ko work. Mm. Ke, like, like the way you mentioned, feminine spirit, uh, that is kind of negative energy transmission and all those.

again if my question is right i don't know if i am no, right no, or not no no it's okay so basically what you are saying is that the spirits which has stuck are the low spirits the mm -hmm. reason they are low spirits is not because matlab uh, uh, it, it's not necessary that all the spirits which are stuck are low spirits okay, okay. because okay. when they are stuck maybe because whatever happened because of their death circumstances they did not were not able to okay. uh, move forward in the time period okay. okay they were little surprised or they were stuck up because of the emotional baggage they were carrying or because of their attachment to the family or because they felt that mm -hmm. what will happen to their family if they go right so as a result mm -hmm. when the spirit is out of the body it is not necessary that even if it is out it has to go it can still stay on and refuse to go okay or it can go back in the body also if it wants to okay that's why people when they go in the coma then sometimes their spirit or soul goes out and after some time it enters back and they are back in their life or the ones yeah. who experience out of life out of body experience okay so when the spirit is over there and it sees that the children or my family is very sad for me, they don't want me to go, and the spirit is soul is also surprised that what has hmm. happened to it because all of them have some shock when they die, right? Hmm. Suddenly they are out of the body, so hmm. they may wonder why are people crying or what is happening or why people are feeling something, right?

right but mm. in spite of that they may still stay on now they when they stay on it's not necessary they they all are bad they are staying on because they have certain emotions attached <laughs> or certain things mm. which are not fulfilled or certain uh, desires mm. which are not being met right that's the mm. reason they have stayed so they are not there to trouble you and all that but somewhere they are finding right. it difficult to go now with respect to mm. your troublesome this thing that again, what is it you're believing is that they are people who were troublesome in their life also. That's the hmm. reason when they have died, they are still those decoys or people who are having the same feelings and same thought process, hmm. right? So, hmm. yes, they can be, but if you have high vibration in yourself, if you hmm. have light in yourself.

The souls or right. these spirits they get attached to you only because you resonate with them. You Absolutely. have similar feelings like them, you have similar yes. soft things like them. Understood? Mm. They are grieving, yes. you are also grieving. That's the mm. reason they get attached to you. Got it. They have a Absolutely. common agenda, yeah. too. Right? Okay. Uh -huh. You yeah, have explained it very beautifully, <clears throat> ma'am. Thank you for that. In fact, I felt from your words, I can relate to that when it is often said that forgiveness is very important to learn. I mean, forgiveness in the sense of releasing all emotional baggages to evolve at higher space So, yes, that sentence So, therefore, yeah, in this journey, one thing, you have some healers. Pe. So, it is very hmm. important.

सो so बेटर yes, है कि ये जिंदगी yes. में रहते हुए ही अपने सारे कलेशों को सारे दिक्कतों को सारी मुसीबतों को यहीं पे रिजॉल्व कर दीजिए यस राइट यस मैम सो as i said कि you can always give permission to your spirits if you want to feel them if you want to see them if you want to them to give you some kind of a uh, feeling मे बी अ टैप ऑन योर फिंगर सम काइंड ऑफ अ पुलिंग ऑफ योर हेयर पुलिंग ऑफ योर स्किन पुलिंग ऑफ योर दिस थिंग टू टू नो के यू आर एक्चुअली फीलिंग इट आप ये महसूस कर रहे हैं एंड इट्स नॉट समथिंग ऑफ योर मेड अप माइंड सो ये मीडियमशिप में या इस चीज में ये आपको सिखाता है कि आपको लाइफ में ट्रस्ट करना आना चाहिए यू अललेस यू ट्रस्ट यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग Hmm. ये बहुत सुंदर चीज है अगर आप सीखें क्योंकि आपके सारी साइकिक एबिलिटीज इसके दौरान इवॉल्व होंगी सो पर्पस आप ये मत सोचिए कि मैं स्पिरिट को कांटेक्ट करूंगा मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्या मैं काबिल हूँ उसके लिए या नहीं हूँ आप अपने आपको hmm. काबिल तो बनाना शुरू करिए ना तो ये प्रोसेस जो है ये That's जो right. दौरान ये जो हम कर रहे हैं दैट इज फॉर मेकिंग यू मेकिंग यूर ऑल सेंसेस

That was ah. before already it's been given now that was much earlier but i think that's explained very well thereafter and i'm sure you will be sharing some of these slides with us as well yes yes i will be sharing well, all the slides is, are there so uh, sukha are you able to understand what i'm saying now or you want me to repeat certain things yeah you can repeat it uh, just in english just in English, right from the beginning. So basically, yes. see... I have, huh? Just, just of it, that's all. Yeah, so just to see this mediumship is what? Basically, it is like understanding that people do not die after death. That death is only of the physical body. The spirit or the soul lives on. It stays in this world, around this world, in heaven but it is not that it is not accessible we can always access them they are our old friendly people who may not be in the form of a physical but they have we can connect through them through the soul and when we connect through them then they also feel acknowledged they also feel happy they share with us things which they want to so, the thing is, what? Why are we doing this mediumship? Is to basically because when we are in this world, we always have a fear that after our death, we will not be available. Whether we will not be available or the people who have gone will not be available to us. So, if we have that fear goes off, and if we understand that they are always available to us, they are always around us, we can always talk to them because the main thing is what, what we feel.

if we understand that they are always available we can always communicate to them they communicate to us they are always watching us they are around us they are aware of the developments which are happening in our life they can and they can contribute they can give us advices they can tell us they can guide us they can mentor us so then what's the best thing that means that contact is never lost you will never feel alone you will never feel lost in life so that is what we have talked about that we now we'll go further just a minute let me on the light okay so we have how we connect to people जो हमको अगर कनेक्ट करना होता है तो वी कॉल इट क्लेयर्स क्लेयर्स बेसिकली हमारे सारे सेंसेस हैं सेंसेस ऑफ कोर्स हम लोग सिर्फ पांच सेंसेस का ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन आई विल टॉक अबाउट इट सो क्लेयर्स जो है वो फ्रेंच वर्ड है इसका मतलब है टू बिकम क्लियर इट मींस क्लियर राइट सो देर आर एट क्लेयर सेंसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड सो हम जो ये कोर्स के दौरान स हमारे चक्रास औरज को तो स्ट्रेंथन करना ही है अगर हमको ये प्रोसेस इफ वी वांट टू डू दिस थिंग वर्क ऑन दिस एरिया देन वी ऑलवेज हैव टू क्रिएट अ जर्नल वी हैव टू जर्नल एवरीथिंग वी हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग देर आर पीपल जो बहुत सालों से बहुत टाइम से चीजें लिखते जाते हैं वॉट एवर दे आर ऑब्जर्विंग इट्स नॉट समथिंग की आप आज कॉन्टैक्ट कर रहे हो आज आप किसी से बात कर रहे हो और सिर्फ कल आप नहीं करोगे इट्स अर ऑन गोइंग प्रोसेस तब आप धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो आप सिंबल्स यू क्रिएट अ जर्नल विच हैज द डिफरेंट सिंबल्स डिनोट्स डिफरेंट थिंग्स कि अगर मैं किसी को राइट right साइड में देखता हूं तो मे मेल रिप्रेजेंटेशन इफ आई सी ऑन लेफ्ट देन इट मे बी फीमेल रिप्रेजेंटेशन इफ आई सी दिस कलर पिंक कलर देन इट मीन्स फीमेल इफ इट्स ब्लू कलर सो देर आर डिफरेंट सिम्बल्स जो आपकी खुद की इंडिपेंडेंट सिम्बोलॉजी होगी

सो इट्स अ कोर्स जिसमें आप ये सारे आपके सेंसेस को स्ट्रेंथन करोगे तो ये आपके साइकिक एबिलिटीज ये आपकी जो एबिलिटीज है आपको हर एक हिस्से में हेल्प करेगी हर एक चीज में मदद करेगी चाहे आप कोई भी healing या कोई भी चीज कर रहे हो उसमें आपको इसकी मदद होगी सो दैट वे इट इज सो आप कैसे दुनिया देखने का अफकोर्स क्ले बॉइंस क्ले ऑडियंस तो आप कैसे किसी चीज को सुन सकते हो क्योंकि हर एक में अलग अलग तरह की क्षमता होती है बट कुछ क्षमताएं हम डेवलप भी कर सकते हैं क्योंकि हम क्या है यूजुअली विजुअल पर्सन है या ऑडियो पर्सन है दूसरी हम क्षमताओं को इसलिए डेवलप नहीं करते क्योंकि हम ये दो चीजों में ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको और चीजों को डेवलप करने की जरूरत भी है क्या एंड इट कैन ऑल्सो बी दैट इफ वी आर क्ले वॉइंस मोस्ट ऑफ अस आर सेवेंटी एट परसेंट देन वॉट हैपन्स वी फील वेदर वी रिक्वायर क्ले ऑडियंस बट दे इफ वी ट्राई टू

हरेक की मेडिटेशन करेंगे हरेक को उजागर करने की कोशिश करेंगे नॉट नेसेसरी ऑल ऑफ विल बिकम हाइट इट बट समेम सो दट इज वॉट विल बी आर एफर्ड टू डू ड्यूरिंग दिस कोर्स ओके ओके अट्यूनमेंट वोट बी देर बट येस लेवल कैन बी देयर लेवल विल भी देयर बिकॉज आप दो महीने में अफकोर्स आप पूरे एफ, ये नहीं हो जाओगे देर आर मेनी एडवांस थिंग्स ऑल्सो बट दैट कैनॉट बी लर्न इन दिस फर्स्ट यू है बेसिक इट्स नॉट एक्चुअली बेसिक बेसिक से एडवांस की तरफ ही है मेरा लेकिन फिर भी इट इट्स इट रिक्वायर्स मोर लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर दिस थिंग प्लस लॉट ऑफ लर्निंग बिच यू कैन डू लेटर ऑन ऑल्सो if 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 it is required if we think uh, then accordingly we can pray but from my side i have tried to cover majority of the things so इस तरह से हम अपनी सारी सेंसेस को एंगेज करेंगे हाँ जी आप

or we can sometimes get direct uh, communications also the direct communications are in form of that when something happens you know suddenly like you start feeling twitching so so that you, suddenly you start uh, feeling that is for the presence of the spirit to know can't. for you to know that there is a I'm spirit right, you, you something, something. So maybe you may see some butterflies around you you may see some bird coming you near you you may see some फेवरेट थिंग ऑफ योर पेरेंट्स और एनी वन होम यू और दैट स्पिरिट हु इज़ अराउंड यू और यू मे सी सम काइंड ऑफ यू नो नॉइज़ यू मे हियर सम नॉइज़ और यू नो सडनली यू मे फील समथिंग डिफरेंट सो ये सब होते हैं जो डायरेक्ट आपकी इंटरवेंशंस होते हैं बिसाइड्स योर सेंसेस से जो आप एब्जॉर्ब करते होके ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो ऑफकोर्स मेरे मेन्टो बोलती है जैसे हमारी ट्रैफिक की लाइट्स होती है राइट वी हैव रेड ग्रीन एंड येलो राइट सो जब हम लाइफ में अगर मीडियम शिप के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड को ग्रीन लाइट देखने की आदत है इसका मतलब क्या है कि ग्रीन जो लाइट है जब आप ट्रैफिक में होते हो या आप सिग्नल के पास होते हो जब ग्रीन होती है तो आप चलते हो क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि आपको अलाउड है जाना राइट right? पर जब येलो होती है तो इट मीन्स के यू वॉच एंड गो है ना तो देर इज सेंस ऑफ फीलिंग दैट यू कैन नॉट मूव यू हैव टू बी केयरफुल देन द रेड मीन्स यू हैव टू स्टॉप सो रेड आर द पीपल दोज दैट दे के नॉट डू दे फील के देर इट्स इट्स नॉट पॉसिबल That spirit world does not exist. That we cannot. It's it's तो उनकी खुद की एनर्जी बहुत डेंस होती है उनकी एनर्जी बहुत हैवी होती है इसके लिए उनको स्पिरिट वर्ल्ड से कांटेक्ट करने में मुश्किल होती है लेकिन जब आपकी एनर्जी जैसे जैसे लाइट होने लगती है आपके फियर्स चले जाते हैं तो आप एक येलो स्टेज पे आ जाते हो जहाँ पे आपके अंदर थोड़ा फियर है पर आप काफी फियर्स को छोड़ चुके हूँ बट स्टिल यू आर होल्डिंग यूर सेल्फ और जैसे ही आप ग्रीन लाइट दिखाते हो स्पिरिट वर्ल्ड को जहां पे आप बोल रहे हो कि आई ट्रस्ट यू आई बिलीव इन यू आई एम रेडी टू कम टू यू आई एम रेडी टू कम्युनिकेट विद यू आई एम रेडी टू लिसन टू यू दैट इज वेन द स्पिरिट वर्ल्ड वेलकम्स यू एंड दे आर रेडी टू टॉक टू यू सो जब भी आपके आसपास आप ऐसा महसूस करते हो

और महसूस करोगे कि आपको कुछ टाइम पे कुछ जगह पे कुछ समय पे ऐसे कुछ इमोशंस आते हैं जैसे आप सडनली रोने लगते हो सडनली आपके अंदर कोई मेमोरी फ्लैश होने लगती है सडनली आपको लगता है कि जैसे कि आपकी मम्मी आपके पास बैठी है या पिताजी पास में है या कोई और आपका जिस जने को आप मिस कर रहे हो या जिसको जो इस दुनिया में नहीं है तो जब आप वो करते हो तो आप उस एनर्जी के साथ एंगेज करिए

like i told you i'm already a healer and i have i did uh, talk to the entities also from access consciousness 2 3 mm -hmm. years back and mm -hmm. so i used to communicate and you know like kuch kuch matlab kafi experiences now after talk to the entities i did uh, from access consciousness i started mm -hmm. experiencing a lot of because what access consciousness teaches you that also teaches you communion with the spirit world Know, how yeah. you can contribute to their world, how you can receive the contribution from them. Yeah. So, when I started working with them, I started receiving a lot of contribution from them and I started contributing to them also. Like, it was a beautiful, beautiful experience in terms of my overall growth, in terms of me, like in terms of each other's contribution. Now, in okay. this process, I came across a team of healers. Uh, who got to know about my abilities and everything, who actually attacked me with black magic and uh, implanted some dark entities uh, you know, and uh, left some dark entities onto me, which was a very scary experience for me. Now after that experience, I have of course uh, you know rebuilt myself and everything. but like I have like now have a lot of fear in communicating again with the you know beings. So, in your C advanced course, will you be taking care of that? Like, whatever, I've been working on myself in removing these fears, but there are still some traces. Like, uh, sometimes I, I get too scared that, no, 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 I don't want, like, you know, just stay away, like that. So, in your mm -hmm. advanced courses, uh, will you help uh, facilitate uh, removing my remnant fears, whatever is left? Will, will you be guiding us with meditations and processes? Yeah, that we'll be doing in this course only, no? I didn't understand what you're referring as advanced My course. My question... Was. I don't know... Isn't it just one class? What is, like? is... Isn't it a... No, 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 no. Yeah, a yeah. This is course. just a webinar. Ha, there so will I'm be asking. a full-fledged course ha. of... Why I'm asking. Yeah, yeah. So yes. In, those, in that course, it will happen. So, uh, like this... Whatever I'm talking about... You will yeah. be taking care of that particular aspect... In the long-duration course that you have. Yeah, of course. You will be taking care in the sense... See, what has happened is... Now you have gone back into your low vibration field, right? Not too much because I've been working on myself. I'm yeah, I'm saying there are agree. not a lot of fears like what you. I'm in the yellow phase right now, like oh, I'm okay. not in the yes, red phase. I'm in the yellow phase. So yeah, understood. Helping understood. me come to my green uh, phase again. Yes. Yes. Why? Will I be receiving come? some hand holding? Yeah. Is what I'm asking yes why not alright great that is what my concern was yeah yeah okay good if you have done with excess yeah Sharon used to see herself very lots of uh, entities when uh, she was very small hmm. okay so Maan. we'll start with meditation ha uh, class ka detail ek by show kar na so that koi agar nikalna chahe to unko awareness ho kya kya hai क्लास में देखो सी क्लास का डिटेल ये है एक मिनट दिखा देती हूँ सो बेसिकली हम स्पिरिट हाउ वी बिकम कॉन्शियस अबाउट द स्पिरिट व्हाट इज स्पिरिट एंड एवरीथिंग थिंग वी बी टॉकिंग अबाउट हमारे चक्रास और ओराज के ऊपर हम लोग काम करेंगे विच ऑफकोर्स अर्लियर आई एड नॉट पुट इट बट दैट आई नो दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वी नीड टू वर्क ऑन बट मोस्ट ऑफ अस आर हीलर सो वी फील दैट आर चक्रास एंड ऑर आर एनी बैलेंस बट स्टिल वी विल वर्क बी डूइंग समथिंग ऑन देम ऑल्सो प्लस उसके अलावा हमारे जो भी क्लेयर क्लेयर्स हैं वो सारे क्लेयर्स पे काम करेंगे उसमें से सबसे प्रोमिनेंट हमारा क्लेवॉइंट है जो हमारा साइट देखने का सेंस है तो वो तो ऑफकोर्स उसका काम होएगा ही बट उसके अलावा दूसरे और सारे जितने भी हमारे क्लेवॉइंस हैं क्लेयर्स हैं वो उस पर काम होएगा फिर हमारे गाइड्स और हेल्पर्स कौन है वो उसके अलावा वी विल लर्न समथिंग लाइक साइकिक शॉर्ट हैंड जो कि हम जर्नलिंग क्रिएटिंग साइकिक रेफरेंस गाइड्स है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमारे सो uh, so ये दीज आर आर क्लेयर्स विच वी विल डेवलप इन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द क्लेयर्स विल बी वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंटली उसके बाद हाउ वी डू द ट्रांस चैनलिंग वो सीखें सीखेंगे देर विल बी सम एस्पेक्ट्स अबाउट द ऑटोमेटिक राइटिंग एंड द स्पिरिट आर्ट विच वी विल बी कवरिंग देन देर विल बी हाउ यू कैन डू पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जब आपको बाहर से करना है तो लोगों के लिए करना है किस तरह से सेशन्स कंडक्ट होते हैं अफकोर्स दिस इज इवन इफ यू आर लर्निंग इट इज़ अप टू ईच वन केपेबिलिटी हाउ पर्सन कैन डू बट स्पिरिचुअल हीलिंग्स कैसे होती हैं पास लाइफ रीडिंग कैसे होती हैं देर बी लॉट ऑफ मेडिटेशन एक्सरसाइज अभी जैसे फॉरिन कंट्रीज में क्या होता है देर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंटल सर्कल्स आई एम नॉट अवेयर इन इंडिया दे आर देयर और नॉट

तो वहां पर वो लोग जो हैं दे मीट वीकली देर आर ओपन सर्कल्स क्लोज सर्कल्स तो जहाँ पे प्रैक्टिस होती है जहाँ पे दे यू नो लाइक वर्क टुगेदर दे हैव मेडिटेशन एंड ऑन तो ये इस तरीके कैसे वर्ल्ड वाइड कैसे इस पे काम किया जाता है मे बी आप uh, पता लगा सकते हो इंडिया में बट अदरवाइज यू कैन फॉर्म योर ओन सर्कल्स

अभी क्लियर है मैम फीस एंड डेज अभी वो सब आई थिंक आई विल आस्क नेहा और समबड़ी टू पुट इट बिकॉज आई एम नॉट अवेयर कौन से दिन uh, uh, होंगे या कौन सा टाइम है इफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग विल डू बिकॉज आई एम मैम मॉर्निंग में रखना इवनिंग में मैं तो नहीं कर पाऊंगी

मैम इसके बाद को एडवांस कोर्स भी होगा क्या? आ, पहले आप ये तो सीख इसको, नहीं, इसको सीख ले रहे, ले रहे, लेने का मतलब नहीं है आ, मतलब मैं, मेरी तरफ से मैं ज्यादातर जो सिखा सकती हूँ वो सिखा रही हूँ लेकिन सिंस ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सी चीजें आती रहती हैं बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं So, obviously, अगर आप इसमें एडवांस तरीके से जाना चाहते हो और और बढ़ना चाहते हो तो हाँ जी। I don't अच्छा मैम और एक चीज मेरे को पूछने का है तो जो, मीडियम जो में कैन यूस टू एनी बाबा और समथिंग लाइक जो दो मैंने मतलब हायर स्टेटस में है उनका उनके साथ हम लिंक कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना कर सकते किसी भी स्पिरिट के साथ आप करने कर सकते वेरी गुड बट देखिए आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपका एक इंटेंशन होना चाहिए एक मतलब तो, ऐसा नहीं है कि सपोज आप कहीं बाहर बैठे हैं कहीं ओपन स्पेस में और आप बोले कि चलो आई विल डू सम मीडियम शेप एंड चलो आई विल स्टार्ट यू नो लुकिंग एट योर स्पिरिट अराउंड यू एंड ऑल दैट सो डोंट टेक इट लाइक अ जोक इट शुड बी समथिंग विच इज वेरी सेक्रेट सेक्रेट स्पेस में करना चाहिए अच्छे उस वातावरण में होना चाहिए एक उसका प्रॉपर पर्पज होना चाहिए राइट right? कभी कभी जैसे कि वन टू वन सेशन होते हैं दे कैन भी ग्रुप सेशन ऑल्सो जहाँ पे कि बहुत सारे ग्रुप बैठे हैं एंड सडनली वन स्पिरिट अपियर्स एंड देन इट बिलोंग्स टू वन पर्सन इन दैट ग्रुप और मीन्स इट्स कनेक्टेड टू वन पर्सन इन दैट ग्रुप बट यूजअली यू शुड नॉट ट्राई टू डू इन दीज काइंड ऑफ एटमोसफियर इट शुड बी मोर प्रेफरेबल इफ यू आर डूइंग वन टू वन

बट इनिशियली इट्स बेटर कि आप स्टार्ट करें क्लोजिंग योर आईज़ ओनली एंड टेक डीप ब्रेथ सो अच्छी तरह से सांस लीजिए एंड इनहेलेशन और एक्सेलेशन में एक्सेलेशन शुड बी मोर लॉन्गर देन द इनहेलेशन सब लोग अपने म्यूट करके रखें आई डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस सो प्लीज़ अपनी आँखों को बंद करके शांतिपूर्वक अपने दिमाग मन तन को शांत रखिए अपने ब्रेथ पर ध्यान दीजिए और डीप ब्रेथ लीजिए दो तीन बार सांस लीजिए और आप चाहिए तो मुंह से सांस छोड़िए जिससे कि जो भी तनाव या टेंशन आपके दिमाग में है यू आर जस्ट एक्सेलिंग इट आउट ऑल रिलीज ऑल द हेल्ड अप इमोशंस वॉट एवर इमोशंस आर हेल्ड अप इन योर बॉडी विच आर नॉट अलाउंग यू टू कॉन्सेंट्रेट विच आर नॉट अलाउंग यू टू फील स्टिल जो कि आपके अंदर तनाव पैदा कर रहे हैं वो सारे इस तरह के जो भी आपके विचार हैं वो अपने अंदर से बाहर फेंके सो जस्ट पुश इट आउट ऑफ योर माउथ बाय वे ऑफ एन एक्सलेशन और धीरे धीरे आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो शांत हो जाएगा अब जो भी आप चेयर में बैठे हैं जस्ट फील जैसे कि आप उसके अंदर एक तरह से सिंक हो रहे रहे हैं, हैं, जस्ट सिंकिंग जैसे उसके अंदर, उसके अंदर, साथ आप समा रहे हैं, एक ही बन रहे हैं अब जब आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गए अपनी जगह पर जस्ट ब्रिंग योर फोकस टू योर हार्ट सो अपने हृदय की तरफ अपना ध्यान लेकर आइए आपकी आंखें भले ही बंद हैं लेकिन अपने अंदरी आंखों से अपने हृदय पर ध्यान लेकर आइए सो ब्रिंग योर अटेंशन योर फोकस ऑन योर हार्ट और जब आपका ध्यान अपने हृदय पर है अब आपको ध्यान देना है जो ऐसे व्यक्ति की तरफ ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कि आपको खुशी प्रदान करता है विद होम यू फील वेरी जॉयफुल थिंक अबाउट एनी वन ंग यू आर ग्रेटफुल फॉर जिसके लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं जिस व्यक्ति के लिए जिस जने ने आपको जीवन में बहुत कुछ दिया बहुत कुछ किया आपके लिए आप उस जने को आज याद कर रहे हैं उसकी स्मृति कर रहे हैं सो जस्ट ब्रिंग यूर फोकस ऑन दट पर्सन एंड वेन यू ब्रिंग द फोकस ऑन दट पर्सन You can feel the energy which is now around your heart. It is becoming brighter and brighter. The energy which is jo your heart, jo center ke jo heart that is spilling around and it is becoming better, brighter. Now feel as if you are breathing it out. दिस एनर्जी बिकॉज इट इज़ इंक्रीज सो मच जो आपकी बॉडी के अंदर इतनी अच्छी तरह से बढ़ गई है और बेहतर हो गई है अब आप उसको बाहर की तरफ को भेज रहे हैं सो यू आर सेंडिंग दिस एनर्जी आउट एंड स्लोली स्लोली लेट इट स्प्रेड टू योर एक्सटर्नल बींग एक्सटर्नल बींग इन द सेंस आप जिस घर में हैं जिस कमरे में हैं अब ये एनर्जी उस कमरे से बाहर जा रही है धीरे धीरे आपके घर से बाहर जा रही है धीरे धीरे आपकी सोसाइटी बिल्डिंग से बाहर जाते हुए ये एनर्जी एक्सपैंड हो रही है जो कि आपकी हृदय की एनर्जी थी विच वॉज योर हार्ट एनर्जी इट इज एक्सपैंडिंग आउटवर्ड स्लोली स्लोली इट इज ऑक्यूपाइंग बिगर स्पेस आपका घर का कमरा आपके घर के दरवाजे से बाहर आपकी बिल्डिंग से बाहर आपकी सोसाइटी से बाहर आपके इस टाउन से बाहर इस स्टेट से बाहर धीरे धीरे जैसे कि पूरा का पूरा आपका देश इस एनर्जी के साथ इसमें एनवलप्ड है एंड स्लोली स्लोली दिस इज गोइंग फॉरवर्ड ऑक्यूपाइंग ऑल द गार्डन्स ओशंस बीचेस ट्रीज

चारों तरफ फैल गई है और चारों तरफ के बाहर भी कोई डायमेंशन नहीं है इट इज ऑल एवरीवेयर यू कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ मार्किंग अराउंड नाउ सरेंडर योर फोकस इन द बॉडी सो योर बॉडी यू हैव बीन थिंकिंग दैट बॉडी विच यूज सिटिंग ऑन द चेयर और अ टेबल और वेर एवर यू आर सिटिंग दैट दैट इज योर बाउंड्री बट जो बाउंड्री के बाहर जो लाइट थी वो तो एक्सपैंड होते 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 लिमिटलेस बन गई सो नाउ सरेंडर दिस फोकस जो बॉडी में है एंड से शिफ्ट से द वर्ड शिफ्ट शिफ्ट टू द लिमिटलेस नेचर अपनी बॉडी को बोलिए कि मेरी बॉडी प्लीज शिफ्ट टू दिस लिमिटलेस नेचर जिस तरह से आपकी लाइट आपके हृदय से होकर बाहर निकलकर इतनी दूर तक फैलती जा रही है उसी प्रकार से अपने शरीर को यह आदेश दीजिए कि शिफ्ट टू नेचर एंड नाउ व्हेन योर बॉडी हैज ऑल्सो बिकम लिमिटलेस देयर इज नो लिमिट टू एनीथिंग नाउ इनवाइट योर गाइड अब ध्यान करिए जैसे आप किसी भी जने को बुला रहे हैं जिसको आप गाइड कह सकते हैं हो सकता है आपका कोई परिवार वाला पहले का हो कोई आप आपके माता पिता हो या कोई एंजल्स हो या कोई भी जो इस दुनिया में अभी नहीं है पर्सन दैट गाइड हु इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन वेन ही वॉज वो आप एज अ गाइड आपकी अवेयरनेस में आ रहा है आज दैट पर्सन टू स्टेप in your awareness so there is no body limit there is no light limit and you are inviting a guide who is deceased one who is coming in your space up jesse you call that person you start feeling the tingling यू कैन फील समशन यू कैन सी सम इमेज सडनली आपको एक इमेज कोई पिक्चर जिसको आपने बुलाया है उनकी पिक्चर या उनकी आवाज या उनकी कोई महसूस आप कर रहे हैं अपने आस पास और जैसे ही आप वो महसूस कर लेते हैं से थैंक यू टू दैट पर्सन फॉर कमिंग देयर और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू वॉन्ट एविडेंस फ्रॉम देम आप चाहते हैं वो कोई आपको ऐसी चीज दिखाएं जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाए कि वो आपके पास है तो आज देम टू गिव यू एविडेंस मे बी यू वॉन्ट सम मूवमेंट इन योर अराउंड यू या आपके स्किन के ऊपर पैटिंग या कहीं फेस पे कुछ चीज या कुछ ऐसा जो आप महसूस करना चाहते हैं उस जने की जिसकी जिसको आपने बुलाया है और जो आए हैं उनको उनके के वो वहां पर है उस चीज का एविडेंस आप उनसे मांग रहे हैं सो यू आर आस्किंग देम टू गिव यू सम एविडेंस सम साइंस सो दैट दे कैन दैट दे एग्जिस्ट सो यू इफ दे आर नॉट यू आर नॉट गेटिंग एनी थिंग अगर आपको इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी व्यतीत नहीं हो रहा है कोई बात नहीं आप उन्हें बोलिए कि मैंने आपको बुलाया है आप बाद में आकर भी मुझे कोई भी साइंस दीजिए कि आप आए थे सो टेल देम दैट यू एंड इफ अगर आपको कोई दिख रहा है देन थैंक दैम फॉर देयर कमिंग देयर थैंक दैम दैट दे हैवी दे हैव कम ऑन योर रिक्वेस्ट थैंक दैम दैट देर यू आर एबल टू क्रिएट सम मैजिकल मोमेंट विदर कमिंग और जब आप पूरी तरह से तृप्त हो जाए वैन यू आर फुल्ली सैटिस्फाइड विद द इंटरैक्शन यू आर हैविंग विद द स्पिरिट हुज कम ऑन योर इन्विटेशन स्लोली स्लोली शिफ्ट बैक टू योर फिजिकल बाउंड्री तो अभी आप बाउंड्री लेस हो गए थे अब धीरे 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 फील करिए जैसे आप पीछे की तरफ जा रहे हैं अपनी बाउंड्री की तरफ जो कि आपकी शरीर की परिभाषा है शरीर का बाहरी हिस्सा है और धीरे 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 धीरे, धीरे आपकी एनर्जी आपकी बॉडी आपके फिजिकल सेल्फ के अंदर वापिस आ रही है और फिर वो फिट हो जाती है उसी ढांचे के अंदर जिस ढांचे में आप रहते हैं एंड स्लोली स्लोली यू फाइंड योर सेल्फ सिटिंग ऑन द चेयर आप उस चेयर पर ही बैठे हैं जिस पर बैठ के आपने ये सब एक्सपीरियंस किया एंड धीरे धीरे स्लोली यू ओपन योर आईज वेलकम बैक सब लोग वापस आ गए हैं जी ओके आई डोंट नो अगर आप लोग को दिखाई दिया नहीं भी दिखाई दिया तो कोई बात नहीं आपने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आपको वो साइंस दें जो भी आए थे सो दैट ओवर द पीरियड जस्ट ऑब्जर्व सम साइंस सी इफ मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सन कोई उनके नाम की चीज कोई टीवी के ऊपर कोई न्यूज़पेपर में कोई कहीं और किसी और चीज में आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दे या कोई ऐसी चीज समझ में आए जो कि उनसे रिलेट करती है विच यू डोंट नो सो ऐसे आप कभी भी बैठ के शांति से अपना डीप ब्रेथ लेते हुए और उसके बाद अपनी अवेयरनेस अपने हार्ट में लेकर आएंगे और जब आप ये लाइट को बाहर भेजेंगे और ये लाइट के द्वारा आप उन लवड वन से कनेक्ट करेंगे उन गाइड्स या स्पिरिट्स या उनसे कनेक्ट करेंगे और उनको ये इंटेंशन बताएंगे कि यू वांट टू बी कनेक्टेड देम यू वांट टू बी देम टू हेल्प यू टू एंड यू वांट देम टू मेक यू अवेयर ऑफ देयर देयर प्रेजेंस एंड यू बॉन्ड गिव दैम द परमिशन आप उनको परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी अटेंशन को कैच कर पाए और आपको वो नोटिस करा पाए अपने आप को तो आप ऐसा कर पाएंगे एंड यू शुड जस्ट थैंक दम वैन यू फील देयर प्रेजेंस जस्ट एक्नॉलेज एंगेज विद दैम फील देय प्रेजेंस दिस यू शुड डू एवरी डे चाहे आपको वो दिखें ना दिखें धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ सिग्नल्स कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगेंगी जिससे कि आप उनकी प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे ओके सो विद दिस आई विल क्लोज माय सेशन फॉर टुडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अदरवाइज we can end the session. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Yeah. Uh, yeah, Vanshika, you can learn the mediumship surely. You're Thank you, ma'am. Thank you and gratitude, ma'am. It was, it was wonderful. Very beautiful session, I ma'am. Mean, learned a lot of things from you. Thank you so much. Thank you. No, Thank, you Thank you, everyone. I'm grateful to each one of you for attending. And uh, I wish you all the best, whether you join me or don't join me. But keep up your work. Keep communicating to the spirit world. They need you. We need them. So it, it's a wonderful experience. And don't have a fear in your mind. Always trust. Thank you, ma'am. Um, will you be sending the recording? Ha recording kal aapko They will share okay. it. Right? Okay, okay. Yeah. Thank you thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.